गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गाड़ी रोको। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हेलो पुलिस कंट्रोल। नमस्कार। नमस्कार। आज सवेरे जॉगिंग के समय दो अनजान आदमियों ने मिस्टर मेहता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इससे पहले मिस्टर मेहता की इन्वेस्टमेंट कंपनी कुछ ही महीनों पहले बंद हो चुकी थी। मिस्टर मेहता पर आरोप है कि उन्होंने जनता के इन्वेस्ट किए हुए पैसों में से 2,70,00,000 का घोटाला किया है, जिसकी वजह से मिस्टर मेहता पर केस दाखिल था। सूत्रों के अनुसार कहा जाता है कि मिस्टर मेहता के कत्ल का इस केस से संबंध और भी गहरा हो गया। पुलिस ने आरोपियों की खोजबीन काफी तेज कर दी है। इससे पहले तुम कहाँ काम करते थे? डॉक्टर रविचंद्र के घर में। कितना दिनों से काम कर रहे हो? 5 साल से। तुम्हारा नाम क्या है? सावित्री। तुम्हारे पिताजी के कत्ल का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन ऐसे तो कोई किसी पर वार नहीं कर सकता। जरूर उनका कोई दुश्मन होगा। क्या तुम उनके कोई दुश्मन को जानते हो? सर ऐसा हो सकता है क्या? कैसा? पापा के इन्वेस्टमेंट कंपनी में जो लॉस हुआ था, उसके बाद लोगों ने टीम बनाई। पब्लिक के चुने हुए 4-5 लीडर घर पर पापा से गुस्से में बात किया करते थे। कहीं उन्हीं में से तो कोई नहीं है? नायर। यस सर। इन्होंने जो 5 लोगों के बारे में जानकारी दी है, ओके सर, इन लोगों का कंप्लीट डिटेल 3 दिन में मुझे लाकर दो। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमः नवशक्ति विनायक स्वामिने नमः आद्य दीपं समर्पयामि। यहाँ पे बेटा। सर्वा भेट प्रसाद फल सिद्धे रस्तु। संभल कर बैट्रिक्स चर्च चलना। जरा एक मिनट सुनिए। माँ जी, आपकी जात मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप सब तीर्थ स्थल पर जा रही हैं, ऐसा क्यों? आज ऑटो रेस है ना, और अपना गणेश उसमें हिस्सा ले रहा है। उसके जीतने के लिए ही मैं सब जगह प्रार्थना कर रही हूँ। देखना, जीत घूम फिर मेरी होगी। नमस्कार बंधु। मैं नमस्कार कर रहा था, आंख में मिट्टी डाल रहा है। ओ हो, टैलेंट पर्सन भाग ले रहा है तो तू घबरा रहा है ना? देखना, जीत फिक्स है। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। मैं अपनी बात कर रहा था। चल निकल, देख कहाँ भागा जा रहा है। किधर? मैं बोला ना निकल। यहाँ उपस्थित सभी जनता को मेरा नमस्कार। ऑटो कम्पिटिटर को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सैंडल, 25,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती है, अपने एरिया की इज्जत का सवाल है यार। अगर गणेश को रेस से हटा दिया तो हमारे सामने खड़े रहने वाला कोई नहीं। इसका 27 नंबर है ना? हाँ। अपने सभी आदमियों से कह दो कि 27 को रोकें। ठीक है। 27 को अंदर ले ले। ए, 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 रुक। क्या रे? रेस स्टार्ट हुआ नहीं और तू स्टार्ट हो गया। अरे पूरे रात गाड़ी की सर्विसिंग की, क्लच वायर चेक किया, मशीन को ट्यून किया, गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास है, समझा? एकदम टेस्ट करके रखी है। अबे रात भर क्या सर्विस कर रहा था? तो अगर जीता तो तू नहीं जीतेगा। क्यों? तेरा ऑटो जीतेगा। ऑटो मुझे देख, मैं प्रताप नगर से भाड़ा मारकर सीधे रेस में आया हूँ। ये क्योंकि मेरे अंदर जोश है, जज्बा है। पिछली 3 पीढ़ियों से हम ऑटो चलाते आ रहे हैं, समझे? तो 3 पीढ़ियों से हारते क्यों आ रहे? इसका रीजन बताना जरूरी है क्या? अगर तेरे में हिम्मत है तो तू मेरी गाड़ी चला, मैं तेरी गाड़ी चलाता हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी, तूने बोलते यहाँ कर दिया,
कहीं मेरे ऑटो में काम तो नहीं कराया ना? मुझे चैलेंज देने में बहुत मजा आता है। मुझे भी। आ देखते हैं। अरे चल भाई। गणेश। रेडी स्टार्ट। जा जा जल्दी जा। ए भागले भागले। ए गणेश। अरे तीन पीढ़ियों से ऑटो चलाने वाला ऑटो में तेल कम है। क्या रिजर्व में है? अब देखता हूँ तू कैसे जीतेगा। क्या जीत घूम फिरकर मेरी ही होगी। ए 27 को उड़ा डाल। अरे बाप रे क्या हुआ इनको। आ, 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 जैसे लड़की से चिपकते हैं सब ऐसे ही चिपक रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अरे गणेश रुक ना। ये लोग मुझे मार रहे हैं और तू देख रहा है? तुझे अच्छा लग रहा है क्या? रेस में ऑटो रुकवाएगा क्या? अरे पेट्रोल नहीं डाला ना। चल पेट्रोल के 100 रुपए निकाल। मुझे अपनी पड़ी है और तुझे पैसों की पड़ी है। पैसा नहीं है तो अंदर कैसे आया? चल बाहर निकल। अरे बच्चा। ए गणेश को तो आ गया है। ए पकड़ पकड़ इसको पकड़ इसको। से मेरी बेटी देख नहीं पाई। आज आपकी वजह से मेरी बच्ची देख सकेगी। मैं जब तक रहूंगी आपके एहसान मंद रहूंगी। ए चल रहे उतर। क्या यही एरिया है ना मेरा? ये ला अपना ऑटो। यही बच्चा है। अरे बाबा तुमको तो बहुत चोट लगी है। तुमको घर पे छोड़ के आओ क्या? टेंशन मत ले। यहाँ सब मेरे अपने दोस्त हैं। मुझे देखकर सब टेंशन में पड़ जाएंगे और गणेश तो टेंशन के मारे पागल हो जाएगा। अच्छा हुआ इधर कुत्ते नहीं हैं। अरे राम बाबू गणेश कुमार फ्रेंड्स फ्रेंड्स आवाज दे रहा हूँ फिर भी कोई नहीं सुन रहा। सब पीकर सो तो नहीं गए? खाओ खाओ पेट भर के खाओ। एक एक दाना मेरी बेटी ने प्यार से बनाया है। आज का दोपहर का खाना बिल्कुल फ्री है। जिसे जो चाहिए वो ले लो। अरे भाई किस लिए फ्री है? क्योंकि आज अपना गणेश रेस में जीता है। अरे बच्चा स्कूल से आ रहा है क्या? अरे बच्चों बच्चों इसको क्या हुआ? अरे बच्चों इससे क्या डरते हो? ये तो भिखारी है। अरे ये लोग मुझे मार रहे हैं। इन सबको हो क्या गया है? गणेश अरे देवानी इधर आ। क्या थाली किसके लिए?
वो अपना सुबू के लिए। मेरा दोस्त सुबू? वो आता ही होगा। अरे वो पागल है, वो बाजू की गली से आ नहीं पाता, पता नहीं कहाँ भटक रहा है। उसे यहाँ पहुँचने के लिए तो 7 जन्म भटकना पड़ेगा, समझ गई? अरे क्या देख रहे हो, चलो टूट पड़ो, खाओ सब, चलो खाओ खाओ। ये हाँ, क्या मुझे भी दे। अब सालों ने मेरे लिए जो रखा था वो भी सब खा गए। तुम दोस्त नहीं चोर हो, यही दोस्ती है क्या? अरे खा खा। अरे अरे अरे, ये भिखारी भी टेंशन देते रहते, जब देखो आ जाते मांगने के लिए। अबे बुड्ढे, तुझे भी मैं भिखारी दिखने लगा हूँ क्या? अभी सब लोग खाना खाने बैठ गए, तुझे भी अभी आना था, चल बाद में आना, उधर खड़ा रहे। अभी सबका खाना होने में टाइम है, सुने काम कर ले, तब तक ये खा ले। अरे कमीनी, तू भी। इतना अच्छा खाना था, बेचारे सुबह के नसीब में नहीं था। अरे हम लोग के साथ कहाँ चला गया? क्या दोस्ती है तेरी, ये बात हुई ना? अरे तुम लोगों ने पेट भर खाया कि नहीं? क्या समझा खा मुझे? तू भिखारी, यही बाकी था, अब तू भी बोल ले। तू सुब्रमण्य, तेरे को अभी मालूम पड़ा? अरे रे, तू सुबू है, तेरा ऑटो किधर है? ऑटो? मैं खुद चूर चूर होकर आया हूँ, तो ऑटो कहाँ से आएगा? माल की नहीं तो नखरे दिखा रही है क्या? बहुत मार लगा क्या? एक तू ही है जिसने मेरे बारे में पूछा। ए, तेरे बारे में नहीं, ऑटो के बारे में पूछा। ऑटो ना, वर्कशॉप में पड़ा है, 25,000 रूपए देकर ले आना, जा। तू लेकर गया था ना, तू ही लाएगा। मैं नहीं जानता, मेरा ऑटो गणेश लेकर गया था और अब यही लेकर आएगा, जा। क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो आया नहीं, इसके लिए तुम 5 मिलकर उनको धमकाते थे। पैसा मुझसे जा रहे थे तो केस करने की धमकी दे रहा था, मर्डर किसी और ने किया और टेंशन हम लोगों को दे रहे हो। अगर हम उनको मार देंगे तो हमें पैसा कैसे मिलेगा सर? कैसी बातें कर रहे हैं सर? अयो, किसको बेवकूफ बोला? 5-10 रुपए ब्याज के चक्कर में तुमको जिसने बनाया उसको ही तुम लोगों ने मार डाला। मेहता का तुम्हारे अलावा और कोई दुश्मन नहीं, सांप को छेड़ने के बाद वो काटता ही है, अगर तुमने नहीं तो किसने किया उसका खून? केस तुम लोगों पर फिर करने वाला हूँ, मुंह बंद रखना और चुपचाप साइन करके निकल जाना। हेलो, बोले वाले लोगों को आटे मिल गया ना? उन लोगों ने कोई मर्डर नहीं किया है। तू कौन है? आप किसी मर्डर के बारे में बात कर रहे हैं ना? वो मैंने किया। गणेश नाम के ऑटो ड्राइवर ने मिस्टर मेहता के मर्डर केस में अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया है। गणेश ऑटो ड्राइवर कल कोर्ट में अपना बयान देंगे, ऐसा इंस्पेक्टर श्रीनिवासन ने कहा है। मिस्टर गणेश, आपने फाइनेंस कंपनी में अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं क्या? क्या सर, आप भी डिपॉजिट के लिए है ही कहाँ जो मैं करूँ। तो क्या आपके उनसे कोई दुश्मनी थी? सर मुझे जो पसंद नहीं आता ना उसे मैं मार देता हूँ। तो फिर क्या किसी ने उनको मारने के लिए आपको सुपारी दी थी? सर किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, मेहता को मैंने मारा। फिर आपने उनका मर्डर किया? सबके लिए पुलिस है ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो आप? ये जो बगल में खड़े ना, इनका नाम क्या है? मिलॉर्ड, मुलजिम को 1 हफ्ते के लिए पुलिस रिमांड पर रखा जाए, अदालत से मेरी यही विनती है। चाकू से मारा तो कितना साल, बंदूक से मारा तो कितना साल, कानून में जितना सजा है उतना आप सजा दे दीजिए मुझे सर। लेकिन एक विनती है सर, मुझे जो है ना पुलिस कस्टडी में मत रखिएगा सर, वो लोग बहुत मारते हैं सर। सर जी, जो केस नहीं है वो भी मेरे ऊपर आएगा सर। तुम ज्यादा बोल रहे हो गणेश। माफ कर देना साहब, इंक्वायरी के लिए आपको पुलिस कस्टडी में जाना पड़ेगा, यह रूल्स है। कौन है इंस्पेक्टर? मैं हूँ मिलॉर्ड। इन्होंने क्या कहा सुना आपने? यस सर। एक बात ध्यान से सुनो, इनको एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, इनका पूरा ख्याल रखो। जी सर। आपके ऊपर इल्जाम झूठा है, आपका कॉन्टैक्ट स्मगलिंग से तो नहीं? ये सबकी इंक्वायरी के लिए पुलिस मुझे लेकर जा रही है, जब मैं इसका बयान दूंगा ना तब सब आना है, कोई मिस मत करना है। सर, हम आपसे जो भी पूछ रहे हैं आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? रुकना, एक सवाल, एक सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। तूने मर्डर किया, किसी को बताया नहीं, मैं तेरा जिगरी दोस्त हूँ, मुझे तो बता। तू कुछ बोला नहीं यार, तू कुछ सुना नहीं क्या? जब बोला तो सुनूंगा क्या आपको? जा रहा सुबू, क्या बोला उसने? बोलने को कहा, थूकता है। उसने मेरे कान में फूंका, मैंने भी वैसा ही किया। मिस्टर गणेश, आप पर लगे हुए इल्जाम सही है या गलत है? मिस्टर गणेश, सर, थैंक यू। तू नेता बनने की कोशिश मत कर, हाथ नीचे करने तो सब पीछे पड़ जाएंगे। ये न्यूज वाले कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं, इनके सामने हाथ ना जोड़े तो अच्छा नहीं लगेगा। बहुत बोलता है तू, दरवाजा बंद करो। खा ले खा ले, ये वही चिकन बिरयानी है। ये क्या सर जी, इसमें चेस्ट पीस है, लेग पीस किधर गया सर जी? तू क्यों नहीं पूछेगा? पूछ, जब बिल्ली सोती है तो चूहा नाचने लगता है। वो जरा खोल कर देना सर, खुले खुले। ये ले पानी पी।
कोल्ड ड्रिंक नहीं है क्या? बोला कोका कोला। क्या रे, ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? खत्म हो गया, कोई बात नहीं, मैं अपडेट कर लूंगा। गणेश अब बता भी देना, उस मेहता को तुमने किस लिए मारा? साहब वो कांस्टेबल इधर ही देख रहा है, उसको बोलिए वो उस तरफ घुमा ले। इसको क्यों घुमाना है, इसको बाहर ही भेज देता हूँ। ए चल बाहर जाओ। गया गया, वो गया। अब बता, तू वो मेहता के मर्डर के बारे में बताने वाला था ना, इसके लिए उसको भगा दिया। अरे जल्दी बता। क्या बात कर रहे हैं सर, वो मेरे खाने की तरफ देख रहा था ना, मेरे पेट में दर्द होता है इसलिए बोला मुंह घुमा के खड़ा रहे। ए ये क्या? अरे तेरे लिए कोर्ट है, मेरे लिए मेरा परिवार है। मैं दो दिन से घर नहीं गया, मैं बहुत परेशान हूँ। सुन, किसी मर्डर का एक मकसद होता है, एक कारण होता है, लेकिन तेरा मेहता साहब को मारने के पीछे क्या कारण है, क्या मकसद है? आपको कारण ही चाहिए ना? हाँ। वो आदमी मुझे पसंद नहीं है इसलिए उसको मार दिया। अगर पसंद नहीं आएगा तो तू मार देगा उसे? देखिए सर, आप भी बार बार सवाल पूछ के मुझे परेशान कर रहे हैं, आप भी मुझे पसंद नहीं आ रहे हो। ठीक है, तुझे पसंद नहीं आया तो तूने उसे मार दिया, लेकिन पसंद नहीं आने का भी तो कोई कारण होगा। मैंने उसे 5 रुपए मांगे। हाँ। उसने नहीं दिए। एक्सक्यूज मी सर, स्कॉच। आज की ब्रेकिंग न्यूज, रुपए के लिए ऑटो ड्राइवर गणेश ने मिस्टर मेहता का मर्डर कर दिया। सबसे अहम बात यह है कि जांच पड़ताल कर रही पुलिस और भी ज्यादा मुश्किल में पड़ गई है। कल मुजरिम को हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा, ऐसी खबर है। मेहता को हम लोगों ने खत्म किया, फिर ये क्यों साला बीच में पड़ रहा है? इस केस को खत्म करने के लिए पुलिस ने तो कोई सेटअप नहीं किया होगा ना? अरे छोड़ ना यार, हमने जो काम किया उसके हमने पैसे ले लिए ना। कल सुबह की ट्रेन पकड़कर मुंबई चलेंगे, घूम घाम कर 1 महीने में आ जाएंगे। हे, आगे पुलिस है, जल्दी यहाँ से निकल वरना पकड़े जाएंगे। अरे उड़ा कर निकल चल। अरे वो भाग रहे, उसको पकड़ो जल्दी, गाड़ी लाओ। ए, निकल बाहर निकल, दादागिरी करता है, पुलिस को उड़ाकर भागता है, मारो मारो सालों को, छोड़ दो बोलता है, अंदर डाल के जेल में छोड़ा दूंगा, जब करो गाड़ी के करो, क्या लेके भाग रहे हैं सब? यह वही चाकू है जिससे मिस्टर मेहता का कत्ल किया गया था। चाकू पर लगा हुआ खून मिस्टर मेहता का ही था, यह DNA टेस्ट के बाद साबित हो चुका है। यहाँ कटघरे में खड़े मुलजिम राधा पट्टानी डेंजर डेविड, यही तीनों असली कातिल हैं। ये पुलिस इंक्वायरी से पता चल चुका है। तुम लोगों ने खून क्यों किया? मेहता जी के लड़के के नाम पर कोड़े कैनल में संपत्ति ज्यादा है, ये मेहता के लड़के को पसंद नहीं था। निर्मल ने ही हम लोगों को मिस्टर मेहता को मारने के लिए पैसा दिया था, इसीलिए हमने उसको मारा। माय लॉर्ड, निर्मल से भी पुलिस ने पूछताछ कर ली है, उसने सब कुछ कबूल कर लिया है। क्या सर, केस दूसरे रूट पर जा रहा है? ये मुझे पूछना चाहिए था। चुप। इस केस के चारों आरोपी राधा पट्टाबी डेंजर डेविड और निर्मल को ये अदालत 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखकर इंक्वायरी करने की इजाजत देती है। चलो। यदि तुमने खून नहीं किया तो सरेंडर क्यों हुए? सर आप जरा दरवाजे की तरफ देखिए। हफ्ता 10 दिन से दिनाकरण दिनाभरण हिंदू एक्सप्रेस सारे अखबारों में मेरा ही फोटो आ रहा है। सन टीवी से लेके जी टीवी तक सिर्फ मेरी चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ ऑटो चलाने से मुझे पॉपुलैरिटी कैसे मिलती सर? वो क्या है ना, ये सब पॉपुलैरिटी के लिए क्या सर, यही सच है सर। खुद पॉपुलर होने के लिए पब्लिक को उल्लू बनाता है। कोर्ट में सच्चे लोगों को पेश करने पर उन्होंने सारे सबूत पेश किए, वैसे ही इन्होंने भी अपनी तरफ से सारे सबूत आपके सामने पेश किए। सर जी मैं पहले ही कह चुका हूँ आपसे कि ये सब मैंने अपने पब्लिसिटी के लिए किया, ठीक है ना? अब इन्होंने अपना काम सही किया कि नहीं आप खुद ही पूछ लीजिए। इस केस को और उलझाने के लिए गणेश ने पुलिस को गुमराह रखा और कोर्ट का समय बर्बाद किया, इसलिए अदालत यार दफा 230 के तहत गणेश को 30 दिन के लिए जेल में रखने का ऑर्डर देती है। चलता हूँ सर, फिर जल्दी मिलता हूँ। क्या देवी, बहुत देर से इंतजार करिए, इस पर साइन कर उस पर साइन कर बोल बोल कर दिमाग खराब कर दिया। मेरी किस्मत ही खराब है। क्या बोला तूने? ए सुनो, मैं अनाथ आश्रम से पल बढ़ कर यहाँ तक आई हूँ। पिछले 7-8 साल से तू हमारे एरिया में ऑटो चला रहा था, इसलिए तुझ पर प्यार आया। लेकिन देख जो ये सब कुछ तू कर रहा है वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्या यकन है, यहाँ मुझे कोई टेंशन नहीं है तो ये क्यों टेंशन ले रही है भला? हा? अरे हाँ, वो अपना सुब्रमण्य कहाँ चला गया? तू अभी तक पब्लिसिटी के चक्कर में है और वो फेमस हो गया। मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है कि मैं एक ऑटो वाला हूँ। चढ़ाओ चढ़ाओ और चढ़ा दो इसे।
अभी तक एक महीना अंदर बैठ कर आया है। निकल निकल 420 को, कोई और काम नहीं है क्या? कड़वी लगती है क्या? अरे ऑटो खाली है। कहाँ जाना है? टी नगर। अरे आप चलो आपके ऑटो में बात करते करते चलते हैं, चलो। अरे ना रुको, इधर आओ। ये ऑटो स्टैंड का रूल है, ये लाइन से जाएगा, इसलिए तुम्हें मेरे ऑटो में ही जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे ऑटो में नहीं, गणेश के ऑटो में जाऊंगा। मैं तेरा पैर काट दूंगा। ठीक है, जब तक तेरी सवारी नहीं जाती तब तक मैं यहाँ बैठा रहूंगा, उसके बाद मैं इसके ऑटो में जाऊंगा। गणेश तू अब अलग से रिक्शा स्टैंड डाल ले। क्यों? आने वाले यात्री सब तेरे रिक्शे पर जाने को बोलते हैं। मैंने जो किया उसके लिए सम्मान दे रहे हैं। बहुत बड़ा सम्मान मिला है ना पब्लिसिटी करके, जो कि जेल जाना पड़ा। लो आ गई साउंड सर्विस। ये देख देवनायकी, पॉलिटिशियन से लेकर आम जनता तक, जेल में जाएगा तभी पब्लिसिटी मिलेगा। सही बोल रहा हूँ ना? एकदम ठीक। जेल में सूखी रोटी खाइए, आप उबला अंडा दो। हाय गणेश, आई एम अंजलि, क्रिएटिव डायरेक्टर फ्रॉम मूवी मैक्स। आई हैव कम टू बुक यू फॉर कॉन्ट्रैक्ट। आपकी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। एड फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास आई हूँ मिस्टर गणेश। नाच नाच कर आएगी, हाथ मिलाएगी तो क्या वो मान जाएगा? अब वो पब्लिसिटी के लिए नहीं आएगा। तेरे से मैंने पूछा क्यों फालतू बोल रही है तू? ये इश्तेहार सारे चैनल पे दिखेगा ना? हाँ, पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करता है। ऑफ कोर्स, थिएटर में इंटरवल के टाइम पे भी ऐड आएगी, एक दिन की शूट है। कितना देंगे आप? पॉपुलैरिटी के लिए तो कितना भी दे सकते हैं। एक लाख? एक लाख, हाँ ठीक है। आहा, ओपनिंग में एक लाख पूछकर ही इसने ओके कर दिया। मैं तो पोपट निकला, पोपट। चेक नहीं चलेगा, मैं कैश लेता हूँ। बस शाना है। ईवीएम में सेट लगा है, कल सुबह आपके लिए गाड़ी भेज दूंगी। कार एसी है ना? क्यों भाई, ऑटो नहीं चलाएगा? मैं ऑटो वाला बंद कर नहीं, एक्टर बनकर जा रहा हूँ, एक्टर बनकर। मैं भी साथ में आ सकता हूँ क्या, जरा पूछो? ये भी आ सकता है क्या साथ में? टचअप के लिए ही आ सकता है। अब तो ठीक है ना? ओके, बाय 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 बाय। सिनेमा 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 सिनेमा। हाय हाय, हाउ आर यू? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। व्हाट नॉनसेंस। अरे क्या हुआ भाई? अरे हीरो किधर है? अरे अरे गणेश, इस लाल ड्रेस में तू बिल्कुल MGR दिख रहा है यार। क्या रे? क्या तू तड़ाक बात मत कर, तू अभी टचअप मैन है। बैग उठाकर मेरे पीछे। गुड मॉर्निंग सर। ए, इसको छतरी लगा। मैं कौन हूँ मालूम है? मैं टचअप हूँ। अबे टचअप भी छतरी पकड़ता है? ए, क्यों चिल्ला रहा है? वो गिरा, मैं डर गया, मुझे लगा आदमी है। अरे आदमी नहीं है, आदमी का डमी है। एक्शन के लिए डमी यूज करते हैं। डमी बोले तो? तेरे जैसा बेकार आदमी। जा जा बे कुत्ते कहीं के। सुबो, ये पकड़। ये क्या, मेरे हाथ में गन दे दिया? डर मत, ये डुप्लीकेट है। चेयर पे बैठा ना, वो भी डुप्लीकेट है। नीचे गिरेगा ना तो फट जाएगा। वासु। यस मैडम। सर से कहो कि शॉट रेडी है। हाँ अभी आ रहे हैं। गणेश सर, सर शॉट रेडी है सर। ये लगाओ। ऑटो वाले को इतना घमंड, वो भी एक दिन के लिए। आईना ढंग से पकड़। ओके गणेश, रेडी ना? जी हाँ। आइए बताऊँ क्या करना है। हाँ जी। आपको यहाँ से चलकर यहाँ आना है, इस प्रोडक्ट की तरफ इशारा करना है। ओके सर को टचअप बराबर से करना। रेडी रेडी टेक। टचअप, स्टार्ट कैमरा रोलिंग, एक्शन। ओके सुपर गणेश, सुपर। गणेश, इस एड के बाद हम एक एल्बम करने वाले हैं, और सॉन्ग में आपके साथ एक लड़की डांस करने वाली है। कौन? वो मैं हूँ। रेडी स्टार्ट साउंड। ए टचअप। किसका? हीरो का जाके टचअप करो। हाँ जाता हूँ, सब मुझे ही बोलते हैं। रेडी टेक एक्शन। ए किसने बोला? हाँ मार के सब दांत तोड़ दूंगी, यहाँ मैं डायरेक्टर हूँ, मैं ही एक्शन बोलूंगी, समझे? सॉरी मैडम, ये वर्ड बहुत कॉमन है इसलिए यूं ही निकल गया। चालू रखो। चलो चलो ऑटो चलाना है। तो ये लीजिए, अनाथ आश्रम के बच्चों की पढ़ाई के लिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हेलो, ये क्या किया आपने? एक लाख उन्हें ऐसे ही दे दिया? 12 साल की उम्र तक मैं अनाथ था, इसके लिए मैं जितना दूँ कम है। गणेश गणेश गणेश, आपको पब्लिसिटी बहुत अच्छी लगती है ना, तो ये फोटो निकाल कर आपको प्रेस में देनी चाहिए थी। वो पब्लिसिटी अलग चीज है और ये अलग है।
तुझे गणेश हमेशा के लिए भूल चुका है। एक्शन बोला तो नाच रहा है, कट बोला तो रुक रहा है, स्टार बोला तो उसके पीछे पीछे भाग रहा है। अब इसको अच्छी चलन हो रही है, नाचेगा तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा दूर रह करना, उसकी कमर में हाथ डाल के मजे से नाच रहा था। ओ इधर ये हाथ से यहाँ पकड़ रहा था, दूसरे हाथ से यहाँ पकड़ रहा था, कभी दोनों हाथों से पकड़ कर ऐसे घुमा रहा था। अरे वो लिमिट होनी चाहिए ना। उसका दिमाग खराब हो गया, किसी के साथ वो डांस डांस करेगा। पहनने के लिए सूट दिया, पीने के लिए जूस देती है, और वो जो कहती है वही करता है। अब ये ज्यादा हो गया है गणेश। अरे देखो आ गई घर ढूंढ कर आ गई, पनौती आ गई। अब तू जाने या ना जाने, लेकिन तेरे पैर को पक्का लेकर जाएगी, देख लेना। गणेश कहाँ है? क्या गणेश कर रही हो? ऑटो स्टैंड पर जाकर देख। वहाँ तो नहीं है, यही मिलने को कहा था। है यहाँ बैठा कर उसे रखा है। बराबर डीलिंग कर रही है। मजाक मत करो, मुझे गणेश से मिलना है। गणेश से कोई नहीं मिल सकता। गणेश को आना ही पड़ेगा, क्योंकि कल डांस में 3 शॉट्स मिस हो गए, वापस शूट करना है। वो कल तेरे साथ शूट पे था ना, तो जो चाहिए था शॉट ले लेना था। गणेश अब नहीं आएगा, चाहिए तो दूसरे से शूटिंग करवा ले। शॉट लेने शॉट क्या शूटिंग? हेलो, गणेश का जो काम है वो गणेश को ही खत्म करना पड़ेगा, हम किसी दूसरे को उसमें नहीं ले सकते। तूने पैसा दिया तो जब जब तू बुलाएगी उसे आना पड़ेगा क्या? अरे ये तो एकदम करेक्ट बोल रही है। नहीं आएगा तो ऑटो को उठवा लूंगी। ऑटो उठाएगी? ऑटो मेरे नाम पर है, उठा क्या छू भी नहीं सकती। गणेश को कैसे लाना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या हुआ सुबू? देखा कैसे बात कर रही थी? हाँ मैंने देखा। गणेश उसकी तरफ हो जाएगा क्या? उसके पास जाता यही सोचती है, तेरे पास क्यों नहीं आता ये नहीं सोचती है। तू साथ में तो रहता है ना, सुन ना, मैं चाहती हूँ कि गणेश मुझे याद करे, मुझे बता ना मैं क्या करूँ। अच्छा पहले तू एक काम कर, ये बता कि मेरी तरफ कितना बाकी है। ले, एक भी पैसा बाकी नहीं, सब बराबर हो गया। ओके, पहले इसका नाम चेंज कर। मेरा नाम क्यों चेंज करना है? तेरा नाम नहीं बेवकूफ, उसका नाम चेंज करने के लिए बोला, समझती नहीं है। उधर देख जितने फोटो हैं सब देख, शिव की पार्वती के साथ जोड़ी है, राम की सीता के साथ जोड़ी है, हर किसी की जोड़ी है, लेकिन गणेश बैचलर है, समझी? उसने बैचलर का नाम रखा है तो वो तुझे कैसे देखेगा? तो अब दूसरा क्या नाम रखे? गोपियों का प्रेमी कृष्णा। नाम तो बहुत बड़ा है। ये नाम नहीं है पगली, गाना है, मैं कृष्णा का गाना गा रहा हूँ। एक तू उसका नाम कृष्णा रख दे, उसके बाद देखना वो तेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा। आज के बाद गणेश नहीं, कृष्णा। कृष्णा इधर, कृष्णा है क्या? ए तुम्हें बुलाया जा रहा है। मेरा नाम तो गणेश है। हाँ मैंने चेंज कर दिया है। TN09969 ऑटो। ए ये तो मेरी ऑटो है, ला पेपर ला। आओ इधर आओ। अरे आओ ना। ऑटो का ऑनर कौन है? मैं हूँ। कृष्णा गाड़ी लेकर पीछे जा, ब्रेक इंस्पेक्टर चेक करेंगे। चलो जाओ। मेरा नाम कृष्णा नहीं है, किसे पूछ के चेंज किया? क्योंकि मैं मालिक हूँ, मुझे ये नाम अच्छा लगा। तू गाड़ी की मालकिन है, मेरी नहीं। तू ही मेरा मालिक है रे। ए, चाबी किधर है रे? यहाँ स्टैंड पर, निकाल ले। ए, चाबी निकाल। तुझे चाहिए तो स्टैंड पर से निकाल ले। कृष्णा नामरात, देखता हूँ तेरे पीछे पीछे भागता है कि नहीं। अरे वाह काम बन रहा है। क्या काम हो रहा है, दिन में सपना देख रहे हैं क्या? चल बैठ। चलो चलो। सुनो ये यक्कन की लड़की है ना? हाँ भाई। साहब नमस्ते साहब। कैसे हो? मैंने अभी उस गणेश के साथ तुम्हारी लड़की को जाते हुए देखा। हाँ साहब, एफसी लेने आए थे, लेकिन साहब यहाँ आप कैसे? आपका ऑटो चलता है, मेरा सुमो चलता है, अगर हम दोनों में गठबंधन हो जाए तो कंपनी बड़ी हो जाएगी ना। शेखर ट्रांसफार्मर बिठाने के लिए गवर्नमेंट ने इनकी जमीन ले ली है ना, और पैसे लेने के लिए इन्हें ऑफिस के धक्के खाने पड़ रहे हैं। अभी मेरे पास ऐसा केस आया था, मैंने सोल्व कर दिया। वो जो MLA अलवर है आपकी अर्जी पर साइन कर दिया है, 10 दिनों के अंदर ही आपका केस सोल्व हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। गणेश तेरे को किसने बुलाया? तेरा नाम कृष्णा है, फिर क्यों बीच में बोल रहा है? समझता नहीं है यार। श्री गणेश जी मैंने हर किसी का टचअप किया, लेकिन 10 पैसे कभी फायदा नहीं हुआ। आपको टचअप करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। जो जेल गया उसको 1 लाख रुपए मिल रहा है, और जो मेहनत कर रहा है उसको 1 भी पैसा नहीं। आप ही मेरी पब्लिसिटी के लिए कुछ कर सकते हैं। गणेश मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, और तू उसे मजाक समझ रहा है। वो सब छोड़, पहले बता मैं गणेश हूँ कि कृष्णा हूँ? देवा के लिए तू कृष्णा है, और मेरे लिए तू गणेश ही है। तो पहले क्यों ऐसा बोला? अरे भाई गुस्से में इंसान कुछ भी बोल सकता है, लेकिन तू गुस्सा क्यों हो रहा है?
मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू कहीं और देख रहा है। सुबह से दिमाग बहुत फ्रेश है ना। ठीक है, मैं इसे इस्तेमाल क्या करूँ यही सोच रहा हूँ। क्या करने की सोच रहा है? तेरी पब्लिसिटी के लिए कुछ सोच रहा है। अरे तेरे पैर पकड़ लो मेरे भाई, जल्दी करना, जल्दी करना, सोच क्या रहा है? अरे एक मैं और तू, तीसरा फिर मैं। अरे चुप, पूरे स्टेट में तीन बड़े लोगों का नाम बता। बड़े लोग कामोतालप्पन, करिगाले पंडियन, एम जी तिरुमलैयप्पन। वेरी गुड। अब ये तीन उंगली है ना, इसमें से एक पकड़। ये कंफर्म? हाँ कंफर्म। गुड जॉब। दो सिक्के देना दोस्त, एक दिन में पब्लिसिटी हो जाएगी ना? एक घंटे में होगा, एक घंटे में हो जाएगा। ठीक है ठीक है। हेलो सर। नमस्ते सर, मैं ऑटो गणेश बात कर रहा हूँ। तू दिमाग खाने वाला इंसान है, अब फोन करके क्यों परेशान कर रहा है? वो मेडिकल बिजनेसमैन है ना तिरुमलैयप्पन, उनका मैं आज एटीएम करने वाला हूँ। एटीएम? एटीएम मतलब एनी टाइम मर्डर सर। एनी टाइम मर्डर? ओह, एटीएम में तो पैसा आता है, लाश थोड़ी ही आती है। आज शाम 5 बजे से लेकर कल सुबह 5 बजे तक मैं उसको मारने वाला हूँ सर। मुझे पब्लिसिटी चाहिए, मैंने डिसाइड कर लिया है। हो सके तो खून होने से बचाओ, तो आपकी भी पब्लिसिटी होगी। क्या है रे, मुझे पब्लिसिटी? अगर भैंस पर सवारी करूंगा तो भैंस के साथ कीचड़ में ही जाना पड़ेगा। बता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कितने बजे उसका मर्डर करने वाला है? एक छोटा सा क्लू देगा क्या? क्लू चाहिए? मैं किसे मारूं सोच रहा था, तभी एमजी तिरुमलैयप्पन को मारने की चॉइस देने वाला ऑटो स्टैंड पर ऑटो चलाने वाला अपना शेर आदमी सुब्रमण्यम। अरे तूने मुझे क्यों बसाया यार? अरे तेरी पब्लिसिटी के लिए किया है। हे भगवान, अरे सब मुझे क्यों मार रहे हो? अरे घूम घूम के मार रहे हो? अरे तू कैसे बता रहा साहब, मेरा सर में बहुत दर्द है। अरे सब मुझे भरता रहने दो यार। क्या साहब, बाकी चाय पीने के बाद मारना, मुझे भी आराम मिल जाएगा साहब। अरे मार दिया। अरे किधर जा रहा है? इधर आ, कहां भाग रहा है? मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, ताकि मुझे मार कम पड़े। आजकल मंदिर में भी खून होता है। जाना नहीं जाना, उठ रहे, जल्दी कर साहब, इसके बिना नहीं उठ पाऊंगा साहब। शिपकली जैसा क्या चढ़ रहा है? हाँ नहीं, क्या रे, अपने आप को बहुत सयाना समझता है, वीआईपी को मारने के लिए दूसरों को आइडिया देता है। सर बात कर रहा हूँ। अबे सच बोल। रुकना रुकना भाई, रुकना, बात करने दे साहब। उसने मुझसे 3 वीआईपी का नाम पूछा, मैंने आँख बंद करके 1 वीआईपी का नाम बता दिया। तू अपनी मर्जी से किसी वीआईपी का नाम देगा मरवाने के लिए? दोस्त ने पूछा इसलिए बता दिया। तो दोस्त भी शामिल है साहब, अब ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हाथ में उठाना, अगर आप हिम्मत है तो उसको मारो। ठीक है, उसका नाम बता। अरे यार वापस से चालू हो गया। एमजी तिरुमलैयप्पन को होटल में पुलिस सुरक्षा में रखवा दिया गया है। जीप रेडी करो, मैं भी होटल आता हूँ, तुम लोग भी चलो। चलो। ओए, तुझे किसने बोला है? आपने तो बोला। कमीना। सुनो, एक बीड़ी भी लगी पीने के लिए। ये पकड़। सब पुलिस वाले एक जैसे ही है। तिरुमलैयप्पन पर डुप्लीकेट दवाई बनाते हैं, ऐसा केस चल रहा है, इसलिए गणेश उसको मारना चाहता है। सर, क्या चल रहा है? सर, अंदर क्या चल रहा है वो जानना चाहते हैं हम लोग। मैं तिरुमलैयप्पन बात कर रहा हूँ। जैसे ही दुबई से लौटा, पुलिस ने मुझको घेर लिया। पुलिस का कहना है कि मुझको मारने के लिए एक पागल आदमी ने चैलेंज किया है, मैं कहीं भी नहीं जा सकता। बिल में हाथ डालने से पता चलता है कि सांप काटेगा या नहीं, लेकिन गणेश कब क्या करेगा कुछ पता नहीं चलता। थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, पूरा पुलिस प्रोटेक्शन आपके साथ है। ठीक है, जाओ तुम लोग। थैंक यू सर। नारायण यहाँ आओ। सर अशोक सुनो, फ्लोर पर जैसे गणेश नजर आए सर, उसे तुरंत पकड़ो और मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर देना। ओके सर। अगर वो भागने की कोशिश करे तो पैर में गोली मार देना सर। Hey! Follow me! Follow me! Hey! सर, गिरने वाला पुतला है गणेश नहीं, वो तो भाग गया। सर वो फिर से धोखा देके भाग गया। चलो पकड़ो उसे। वीआईपी 6 फ्लोर पे है, वो उधर ही जाएगा, फॉलो हिम। ओके सर। सर ओके
सर, यही है जिसने आपको मारने की धमकी दी थी, पकड़ लिया। ए, तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है? तेरी वजह से मैं यहाँ 3 घंटों से कैद में हूँ। तू क्या? सर, आप टेंशन मत लीजिए। ये आपका नाम क्या है? कलपेटी श्रीनिवासन। हाँ, कलपेटी श्रीनिवासन की ही बुलेट है। सर, आपके बाजू में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गया? हेलो, वहाँ खड़े रहोगे तो कैसा चलेगा? नीचे आ जाओ जल्दी। रुक जा, आता हूँ। अंदर क्या चल रहा है सर? सब प्रेस वाले और टीवी रिपोर्टर्स ठीक है ना? आपके चैनल पर जीवन निधि का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। अभी पकड़ के इसको धोता हूँ। आप लोगों ने चैनल्स पर रियलिटी शोज क्यों बंद कर दिए? सर सर, हमारा प्रोग्राम छोड़िए, लेकिन आप अपनी पब्लिसिटी क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये बात है। हमारी पुलिस कितनी अलर्ट है ये चेक कर रहा था। मुझे डाउट था कि यदि कोई आम आदमी के लिए फोन किया होता तो क्या ये तब भी आते, या फिर ये वीआईपी है इसलिए आए हैं। लेकिन आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। 5 बजे शुरू किया था, 6 बजे खत्म कर दिया। क्या रे, पुलिस को पागल समझा क्या? अरे ये क्या? गणेश, अंदर आ जा। गणेश, बहुत दर्द हो रहा है क्या? कमला थिएटर में कौन सा पिक्चर चल रहा है वो बता। बोला कौन से समय क्या बात करनी है ये तुझे पता है कि नहीं? जिस तरह मलयालम फिल्म ओपन करते हैं उसी तरह मुझे भी ओपन करके बड़ी बेदर्दी से मारा, और तू नू शो देखेगा। अरे सुब्रमण्य। हाँ बोलो। बिना पैसे खर्च हुए पब्लिसिटी चाहिए तो थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ता है। लो आ गए। क्या रे, पुलिस को तूने समझ क्या रखा है? तुझे पब्लिसिटी चाहिए ना, तो जाकर किसी सर्कस में भर्ती हो जा। किसी वीआईपी को धमकी देकर हमारी आंखों में धूल क्यों झोंक रहा है? ओके ओके स्टॉप। मैंने जो खून की धमकी दी उस केस में मुझे दफा 506 के तहत रजिस्टर करना चाहिए था, नहीं तो पुलिस को जो मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए दफा 203 या 209 के तहत मुझ पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए था। ये सारी बात सही बता रहा है या ऐसे इनको घुमा रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी गलत हो गया तो मुझे पकड़कर ये लोग फिर से मारेंगे। देखिए सर, एक आदमी को पुलिस स्टेशन ला सकते हैं लेकिन उसे मार नहीं सकते। मारना तो इसको मारो, इसको अच्छा इंसान समझ कर मारो। वो सब जाने दो सर, मेरे खिलाफ एफआईआर लिखकर मुझे कोर्ट में लेकर जाओ। सर, पिछले टाइम जज ने क्या कहा था, मुझ पर एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। जज को देखने दो कि आप लोगों ने मुझे कितना टॉर्चर किया है। कम या ज्यादा कोई भी सजा चलेगी मुझे, आई विल टेक इट। क्या बोल रहा है तू? तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम सर। तुमको कौन सजा देने वाला है? मेरा ही एक इंक्रीमेंट कट होगा। जाओ तुम लोग। गणेश है? अभी केस लिखा नहीं है, फिर कभी ऐसी गलती मत करना। जाओ। सर मैं भी जा सकता हूँ क्या? तो जा। चल यार, चलते हैं। मैं नहीं आ रहा। लेकिन क्यों? चुप। अभी क्या करना है तुझे? वहाँ पे दफा करके मुझे मारा है, अभी अंदर भी जख्म है और बाहर भी। मजबूत लगा है, बहुत दर्द हो रहा है सच। ट्रीटमेंट के लिए 1000 रुपए खर्च होगा। हाँ? देंगे तो चला जाऊंगा। सर मुझे जाने दीजिए, इसे यहाँ रख लीजिए। ए, तू चुप रह। जा, 1000 रुपए इसको दे देना। थैंक यू सर। मैं चलता हूँ सर। हाँ। सुबू। सर मुझे 500 रुपए। अभी तक यही है। सुबू। हाँ? आते वक्त कमला में कौन सा पिक्चर लगा है पूछ कर आना। हाँ? और आते वक्त अपने लिए सर से टिकट का पैसा भी लेते आना। नहीं नहीं नहीं। क्या पंड्या, अभी तक घर नहीं गया? निकल रहा हूं। छापेगा। हाय गणेश, अब तो टीवी पे कोई भी चैनल लगाओ है? बस तुम ही छाए हो। सुना है कि पुलिस स्टेशन ले जाकर कोई इंक्वायरी हुई थी, सही है क्या? ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैंने कल तुम्हारा MTV पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अरेंज किया है। तुम कल कब फ्री होगे? फ्री कल वो बहुत बिजी है, फ्री नहीं है। कृष्णा, कल अपने घर पर एक फंक्शन है तो कल किसी के साथ कहीं नहीं जाना। ये लो। क्या कृष्णा, इस पर ध्यान मत दीजिए, इसका चैनल अलग ही है। ये लो, कल तुम भी आ जाना। क्या है ये? मैच्योरिटी फंक्शन सेलिब्रेशन, तुम यहाँ जाओगे? गर्ल मैच्योरिटी फंक्शन, दैट फंक्शन। लवर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, ये सब सेलिब्रेशन तो मुझे पता है। ये क्या है, मैच्योरिटी डे सेलिब्रेशन? वेरी फनी। क्या फनी है? हमारे यहाँ का रिवाज है कि जब लड़की शादी के लायक होती है
तो लड़की के घर वाले उसकी शादी की तैयारी के लिए वर ढूंढने के लिए स्वयंवर रखते हैं, जिसमें लड़की वर चुनती है। मैं भी मेरी शादी की तैयारी पिछले 7 साल से करती आ रही हूँ। जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए फंक्शन रखा है। सुनो, ये फंक्शन में जाना जरूरी है क्या? इतने प्यार से बुला रही है, कोई ना आए तो भी मुझे यहीं रहना चाहिए। पोस्टमैन, पोस्टमैन, हेलो पोस्टमैन। अरे तेरे बाप का रोड है क्या? थोड़ी भी समझदारी है कि नहीं? आप समझदारी की बात कर रहे हैं? भरोसे के साथ आपको लेटर दिया जाता है और आप नीचे गिरा कर जा रहे हैं? ये तेरे को रजिस्टर लेटर लग रहा है? अरे ये तो सिंपल लेटर है, एक दो तो गलती से गिरता रहता है, इसके लिए मेरे पीछे आ रहे थे क्या? गणेश, तेरे नाम पर लेटर आया है। कौन सा सिंपल लेटर है? इस लेटर की वैल्यू जानते हैं आप? ये लेटर एक आदमी को काम दिला सकता है, इसमें लड़के का रिश्ता हो सकता है, एक फैमिली के लिए अच्छी खबर हो सकती है। इसमें एक माँ ने अपने बेटे को लिखा होगा और सुनो, बाप ने बेटे को लिखा होगा। किसी की किस्मत बदलने का चांस होगा, पेपर नहीं जान है। संभल कर पहुंचा इसे। ये आदमी एक मामूली लेटर के लिए इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? हे, जब देखो मेरा इंजन चेक करती हो, कभी कृष्णा का भी किया करो। कृष्णा का ऑटो चेक करती हो क्या? जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। कृष्णा का इंजन हमेशा बराबर रहता है। देखा है? ज्यादा बात किया, दांत तोड़ दूंगी तेरा। अरे गणेश बाबा, कृष्णा का फोन आया है। देख कौन है। हेलो, सुब्रमण्य स्पीकिंग। मैं अंजलि। गणेश है क्या? गणेश कुछ खाने के लिए गया है, क्या बात है बोलो। एक शूटिंग है, उसके लिए ऑटो चाहिए था। अगर गणेश होता तो। क्यों, मेरा ऑटो नहीं चलेगा क्या? वेरी नाइस, आप अपना ऑटो लेकर एवीएम स्टूडियो अभी चले जाइए, वहाँ प्रोडक्शन मैनेजर से मिल लेना। ये एड फिल्म है? नहीं, सिनेमा है। क्या सिनेमा है? यही मौका मैं देख रहा था, मैं आ रहा हूँ। तेरी तो मस्ती करती है, दो ऑटो रखकर इतना नखरा दिखाती है। क्या हुआ? फोन पर बात कर ली? अभी की है। यहाँ कैसे? निकल रहा हूँ। कहाँ? शूटिंग पर। किसके साथ जाएगा? ऑटो के साथ। क्या हुआ, तुझे बहुत दुख हो रहा है क्या? कहाँ जाएगा? एवीएम स्टूडियो। इस सिनेमा में काम करके गणेश को सबक सिखाता हूँ। आओ, क्विक क्विक, समर शॉट, समर शॉट। सर आप ही सुब्रमण्यम जी से? मैं ही ऑटो ड्राइवर सुब्रमण्य, अंजलि ने भेजा है मुझे। ओ, अच्छा अच्छा। ए स्पोर्ट सर, कुछ तो चलेगा, रहने दीजिए। हे सर, के लिए टिफिन लाओ। रहने दीजिए सर, खा लीजिए, आज आपके ऑटो के साथ हमारी शूटिंग है। सर आप शूटिंग कीजिए। तो क्या मेरा ऑटो हीरो है क्या? सर ये बहुत अच्छा इंसान है, आपके लिए तो जान भी दे सकता है। वेरी गुड मास्टर। क्या सर, ऑटो रेडी है, लेकर जाइए। ठीक है, ऑटो लेकर आ गया हूं। थैंक यू सर। देखो आप ऊपर से ऑटो पर कूदना है और जंप मार के मास्टर, मेरा ही ऑटो है। नहीं, मेरा ऑटो कितना लकी है, मैंने कभी इसका ख्याल नहीं रखा, और ये प्यार से इसकी आरती उतार रहे हैं, कितने अच्छे इंसान हैं। और थोड़ा चटनी दो? हाँ थोड़ा दे दीजिए। रेडी आओ। सर बड़ा चाहिए? बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं, हट, ये क्या हो रहा है? अरे मेरा कांच तोड़ देंगे। अरे सर बैठिए, बैठिए, छोड़ दीजिए सर, बैठ जाइए। अरे सर बैठिए, इम्तियाज अब ऑटो का कांच तोड़ो। ओके सर। ओके, सामने मेरा कांच तोड़ रहा है। रुक रुक रुक, रेडी है? चलो आगे जाओ। अरे मेरी नजरों के सामने मेरा ऑटो चूर चूर क्यों कर रहे हो तुम? वन मोर बोल के ऑटो का पापड़ बना दिया, छोड़ मुझे। अरे ऐसा क्यों कर रहा है? नेक्स्ट। अरे मेरा ऑटो चूर चूर कर दिया, मेरे ऑटो से क्या दुश्मनी है? ऊपर से आओ। ओके मास्टर। वन मोर। अरे पूरा ऑटो तोड़ डालोगे क्या? वन मोर। अरे ये वन मोर का मतलब क्या है? चल के फेंको। वेरी गुड, चलो दूसरे शॉट की तैयारी करो। ओके मास्टर। अरे तू नहीं बोल बोल के तोड़वाया, चल। अबे कदे कहीं के तुमने वन मोर बोल बोल के मेरा ऑटो का कच्चूबर बना दिया, ऐसा क्यों किया बोल? एक टेक ओके नहीं हुआ तो वन मोर करना पड़ा। तूने ही तोड़वाया है। मुझे पता नहीं, मैंने अपना काम किया है। मेरा ऑटो तोड़ना ही तेरा काम है क्या? ए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे नहीं, मैनेजर से बात करो। मैं ऑटो के पैसे वसूल करके आऊंगा। तो जाके वसूल करो ना। तूने मेरे ऑटो को तोड़ा है ना, अब तेरी ज्वेलरी से ऑटो वसूल करूंगा। निकाल, मेरा ऑटो तोड़ा है, मैं लेके जा रहा हूँ। अब तेरी ज्वेलरी से 2-3 ऑटो खरीदूंगा, कर ले जो भी करना है।
एमएलए अलवर के पेट में दर्द होने के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये क्या बेकार का है उसमें? ए, ए, जब देखो दोनों तरफ से मुंडी लेकर खड़े हो जाते हो, जब जब घर जाता हूँ मुझे तीन तीन मुंडी दिखाई देती है, भागो यहाँ से। गणेश तू नीचे बैठकर क्या कर रहा है? इम्पोर्टेंट न्यूज पढ़ रहा हूँ, देख इधर। मुझे भी देखने दे। अपने पेट में दर्द होता है तो बाजू वाला भी पूछता नहीं है, मगर एमएलए के पेट में दर्द हुआ तो ऑल इंडिया न्यूज बन जाती है। अगर उसी हॉस्पिटल में ये ऑटो गणेश एडमिट हो गया तो वो भी न्यूज होगी ना, पब्लिसिटी होगी ना। अच्छा सोचते हो, फिर पुलिस वाले आएंगे तुम्हारे पास इंक्वायरी करेंगे और वो पूछेंगे कि आइडिया किसका है, तुम बताओगे कि सुब्रमणि का है और वो मुझे ले जाकर फिर से मारेंगे। अरे बाप रे। मैडम आपके पास कोई नाजुक इंजेक्शन नहीं है? अरे अरे मैं इंजेक्शन के लिए नहीं रो रहा हूँ, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मुझसे दर्द सहन नहीं हो रहा है, इस इंजेक्शन में पॉइजन डालकर मुझे मार डालो प्लीज। स्कैन रिपोर्ट तो नॉर्मल है, फिर भी हमें बेरियम रिपोर्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर, कल कर देते हैं। तब तक मैं सहन नहीं कर सकता, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। थोड़ा दर्द सहन कर लीजिए सर, जब तक जान नहीं जाते कि आपको प्रॉब्लम क्या है, हम स्ट्रॉन्ग पेन किलर नहीं दे सकते। सिस्टर ये सर को माइल्ड डोज दे दो और इन्हें आराम करने दो, ठीक है? डॉक्टर चले गए सर। मुझे डर था कि ये कहीं बिगल कर मेरे पेट में ना चला जाए, इसलिए रो रहा था मैं। बाहर सीबीआई खड़ी है क्या? वो लोग कब के आए हैं? लेकिन आप एडमिट हैं इसलिए वो अंदर नहीं आ सकते ना। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन उनको ये पता है कि आपके पेट में दर्द हो रहा है इसलिए नहीं आ रहे हैं। दिल्ली जाने तक मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा और मेरा पेट दर्द ठीक नहीं होने वाला है। माँ मेरा पेट। अब क्या हुआ? वो सिस्टर ना रही है ना, हर 5 मिनट में एक से एक सिस्टर क्रॉस हो रही है यहाँ पर। इन्हें देख कर बदन में कुछ होता है, मैं रात को यहाँ पर अकेला नहीं सो पाऊंगा। आइटम लाएगा क्या मेरे लिए? ये ना हॉस्पिटल है, आपके लिए दरवाजे पर 2 कांस्टेबल खड़े हैं। अरे कुछ भी करके 8 बजे तक उन सबको यहाँ से भगा दे और डॉक्टर को बोल दे कि रात को कोई चेकअप के लिए ना आए। मेरे ख्याल से 9-9:30 बजे तक चलेगा। आइटम जरा देखकर बराबर लाना। हाँ अच्छा ठीक है। अरे मेरा पेट। क्या हुआ? अरे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तू जाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पैसे लेने के लिए। एमएलए अलवर ने ही कहा था ना, अगर ये पैसे तुम्हें चाहिए तो अलवर के साथ तुम्हें कंपनी देनी पड़ेगी। हाँ इसीलिए बुलाया था तुमने? क्यों 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 इतने टेंशन में आ रहे हो? घर पर जाकर आराम से सोचो, मेरी बात गलत लग रही है तो पैसे को भूल जाओ और अपनी लड़की को संभाल कर रखो। मेरी बात सही है तो अपनी बेटी को अलवर के पास भेज दो। थैंक यू, नमस्कार। ची, चलो पिताजी चलते हैं। जाओ जाओ, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। ए भाई सुन जरा। गणेश। अरे क्या हुआ देवा? तू जा मैं देख लूंगा, तू जा। वो बोल रहा है ना, तू जा वो देख लेगा। ए सुगो, ये सिल्क शंकर सफेद कपड़े पहनता है। हाँ। मेरे लिए सफेद कपड़ों का बंदोबस्त। अभी रेडी करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। ए तू ऑटो गणेश ना जो टीवी पर आया था? हाँ हाँ मैं ही हूँ। बोल क्या बात है अभी? अरे ऐसे नहीं मारते, स्ट्राइकर उठाकर रेड पॉइंट पर रखकर फिर मारते हैं भाई। वो अपना अयक्कत है ना, उसका कॉम्पेंसेशन अमाउंट सैंक्शन हो गया है। वो गवर्नमेंट से भी पैसा आ ही गया है समझो। तो पैसा लेने के लिए अलवर ने कहा है कि अपनी लड़की अलवर के पास छोड़नी होगी, ये बात तो गलत है ना। ए तू जानता ना तू कहां पर खड़ा है? जो तू बोल रहा है अगर वो पोस्टर फोल्ड करने वाले को सुनाई देगा ना तो वो तेरे को भी पोस्टर जैसा फोल्ड करके रख देगा। भाई सब कुछ ठीक है ना? क्या है वो? मैं क्या कह रहा था, ए तू जैसा बोल रहा है ये सब भाई से मत बोलना, नहीं तो काट डालेगा। ए तूने जो कहा मेरे आदमी ने सुन लिया तो जानता है क्या होगा? मैं उन लोगों को बोल कर आता हूँ। उनसे बोल कर आ रहा है, इसके हाथ पैर तोड़ डालो। Hey!
मारना मुझे, मारना। कौन? अय्यकन का पैसा। ये लो भैया पूरे पैसे। चलो पकड़ो उसे, मारो, मारो, मारो। चलो, ये दरवाजा खोल। उतार, क्या उतार बोला ना? ये लो, लो भैया। पैसा नहीं है तो बोलने का था ना, इतना मारने का चाहिए मुझे। क्या भाई, आप पर इसने हाथ उठाया है क्या? क्या भाई, जब सब सेटलमेंट हो गया तो आप लोग क्या करोगे? है ना भाई? हाँ, 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 सही बात है। ए, भाई पर कोई हाथ उठा सकता है क्या? मार डालूंगा उसको। ए, दोबारा इधर आने की हिम्मत किया ना तो मार डालूंगा। क्या बोला आपने? अब मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगा। जाओ जाओ, बहुत मारा रे। मैं चलता हूँ। अम्मा, अरे मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझसे रहा नहीं जाता। नमस्ते सर। तू वो पब्लिसिटी गणेश है ना? हाँ सर। आपके पीए ने भेजा लड़कियों के फिगर बताने के लिए। दरवाजे पर पुलिस है? कोई नहीं है सर। मालूम है, यहाँ रहकर परेशान करती रहती है। हाँ सिस्टर, आपको कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं नहीं, छोटा सा दर्द हुआ बस। आराम कीजिए, ठीक हो जाएगा। अभी बोल, क्या काम था? मुत्तुपट्टणम याद है ना तुझे? माणिक वासगम मालूम है तुझे? एक ही बुलेट अंदर जाएगी तो छिपकली की तरह दीवार में चिपक जाएगा। चल हाथ उठा। <laughs>
मेरे हाथ में तेरी असली गन है। साइलेंसर लगाया था मैंने, जो तेरे पास है वो मेरी गन है, डमी गन है। पेट दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं, उसके लिए खुद खुशी नहीं करते। हेलो, क्या अभी आ रहा हूं? क्या हुआ सर? ए, क्या रे? ए, क्या हुआ? हेलो, मालूम नहीं। फॉरेंसिक लैब, शांताराम है क्या? हाँ, बोल रहा हूं। शांताराम, तुम जल्दी से विष्णु हॉस्पिटल आ जाओ, एमएलए अलवर ने आत्महत्या कर लिया ऐसी खबर मिली है। ओके, ये लीजिए सर। इंस्पेक्टर आयंगर किधर गए? सर वो राउंड पर गए। वो आए तो उसे हॉस्पिटल आने के लिए बोला। ठीक है सर। और सुनो, कमिश्नर का फोन आया तो कह देना मैं एक जरूरी काम से विष्णु हॉस्पिटल गया हूँ। ओके सर। सर नमस्ते सर। अरे यार, टाइम ही खराब हो जाएगा, तू यहाँ किस लिए आया है? सर मैंने सुना है कि एमएलए ने आत्महत्या कर ली है। क्या हुआ? उसके बारे में बात करने आया हूँ सर। एमएलए ने आत्महत्या कर लिया, उसके बारे में तू क्या मुझको बता पाएगा? आत्महत्या नहीं है सर, खून है, और वो खून मैंने किया है। अरे यार, चालू हो गया क्यों? अगर गांव में कोई मरने के बाद शमशान ले जाया जाता है तो तू वहाँ चील की तरह क्यों हाजिर हो जाता है? टीवी पर इतना नाम आया, तेरा पेट नहीं भरा? अब तो मुझे सुकून से रहने दे मेरे बाप। सर ये मैंने कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं किया है, वो खून सचमुच मैंने किया है। उसको मार के मैं सीधा इधर ही आ रहा हूँ, कमिंग स्ट्रेट। ए जा रे, जा, कोई दूसरा काम देख, आ गए सुबह सुबह। सर कह रहे मैंने खून किया, इस बात पर आपको यकीन नहीं हो रहा है? मेरे सर पर तू कपूर जलाकर भी कसम खाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगा। तूने खून नहीं किया, खून नहीं किया, नहीं किया, ठीक है ना? गाड़ी निकालो रे, जिधर भी जाओ जान लेने के लिए आ जाता है। बुलेट के क्रॉस करने के हिसाब से पता चलता है कि उन्हें एकदम नजदीक से शूट किया गया है। स्पेशलिस्ट के रिपोर्ट से पता चलता है कि अलवर ने अपनी गन से आत्महत्या की है, क्योंकि गन के ऊपर अलवर के फिंगरप्रिंट से ये भी रिपोर्ट में है। सर रिपोर्ट में क्या है? सर रिपोर्ट में इतना ही लिखा है, उस गन पर अलवर के फिंगरप्रिंट्स है, अलवर ने आत्महत्या की थी, ये तो पता था, इसलिए मैं एफआईआर में पहले ही लिख चुका हूँ। ये सब गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी है। सर मुझे एक डाउट लग रहा है। क्या हुआ? एमएलए ने आत्महत्या कर ली ऐसी खबर आपको मिली थी, इसलिए आप वहाँ पर जा रहे हैं? ये बात तो गणेश ने आपसे भी पूछी थी ना? हाँ उसने पूछा था। आपको पुलिस स्टेशन फोन आया था गणेश को, ये सब कैसे पता? सर आप इस केस को सही तरीके से हैंडल करेंगे ना तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। हाँ और तो ऐसा ही हो जाएगा। इस पब्लिसिटी गणेश के कारण मुझे इतनी बेइज्जती सहन करनी पड़ी, ये कम है क्या? ये देख, इतने बड़े बड़े डॉक्टर ने चेक करने के बाद ही कहा है कि ये खून नहीं आत्महत्या है। तू ही बता अब क्या हो सकता है इस केस में? क्लोज करना है सर। मेरा ये जलवा। ए भाई, सेंट्रल जाने का भाड़ा? सेंट्रल का 110 रुपए। एक मोर 100 रुपया। माउंट रोड 90। स्पेंसर प्लाजा? स्पेंसर प्लाजा 80। केन? केन के अंदर ऑटो नहीं जाएगा। ट्रिपल केन 70 रुपए। जमनी ब्रिज 65 रुपए। नीचे? ऐसी नीचे रोड पर ले जाएगा ऑटो, तेरी गर्दन में चला के जाऊंगा। लूट लूट, बता तुझे कहां जाना है? बीच पे जाना है। जाएगा 70 रुपए होगा, चलेगा? 70 रुपया इतना नहीं है मेरे पास। ये पता किधर से आया तू? मैं मधुरे से आया हूँ। वहाँ से टिकट लेकर आया ना? नहीं, मैं विदाउट टिकट आया हूँ। बिना टिकट लेकर भाग कर आया है और मुझसे पूछ रहा है यहाँ का कितना, वहाँ का कितना? चल भाग। मेरे पेट के अंदर 2 दिन से आग लगी है और तू यहाँ पकड़ पकड़ी खेल रहा है? खेल रहा हूँ मैं यहाँ, दिमाग का दही मत कर। 2 दिन हो गए गणेश को गाड़ी की चाबी लेने भी नहीं आया, वो तेरे साथ रहता है ना, वो कहाँ है तुझे खबर है? तुझे उसकी फिक्र है कि नहीं? मैं क्यों उसको ढूंढूं, उसकी फिक्र करूं? मुझको क्या पड़ी है, पब्लिसिटी के चक्कर में होगा। तू मुझे जानती नहीं हो, कहीं भी गायब हो जाता है फिर हम उसे ढूंढने के लिए पेपर में एड देते हैं, बड़े बड़े फोटो छपवाते हैं। हाँ, अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो 2 ऑटो को बेच दो और 1 एड देकर गणेश को ढूंढ कर ले आओ। मुझे आजकल बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। बुरा बुरा सपना आ रहा है, कहीं वो सपने में आकर चिपकता तो नहीं है ना? वो आए तो टेंशन नहीं है, वो अंजलि कमी नहीं आती है। अभी तुझे क्या डाउट है कि कहीं अंजलि और गणेश साथ में तो नहीं चिपके हुए हैं? मैं क्लियर करता हूँ। अरे तू क्या माइक टेस्टिंग कर रहा है, बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? फोन तुमने किया ना, तुम बोलो कौन? आई एम सुब्रमणि। आई एम अंजलि। अभी तुम कहाँ हो? मैं कहीं भी हूँ, तुम्हें उससे क्या? नहीं रे बाबा, ऐसे ही पूछा। तेरे साथ में कोई है? पूछना। साथ में कोई है क्या? हाँ है ना, मेरा बॉयफ्रेंड। ए जरा संभल कर, गुदगुदी होती है। छोड़ो ना। देवा, कोई बाजू में बैठकर उसका इधर उधर चू रहा है, मुझे तो लगता कोई अपना ही है। तू डर मत, मैं देखता हूँ। ये सुन ना, तेरे बाजू में जो तुझे इधर उधर चू रहा है उसका नाम बताना।
मुझ पर थूक कर फोन कट कर दिया। उस एड कमीनी ने, उसने फोन ही कट नहीं किया, तेरा और कृष्णा का रिलेशन कट कर दिया। अभी तू उसको भूल जा। क्या हुआ, क्या हुआ? कैसे भूल जा उसको? तेरे ही कहने पर मैंने उसका नाम कृष्णा रख दिया, अब काम क्यों नहीं बन रहा? काम नहीं हो रहा तो क्या करूं मैं? देवा, उन दोनों से गलती हो गई तो जाने दो। वो क्या है कि गणेश कुंवारा था, लेकिन कृष्णा के साथ तो हमेशा गोपियां रहती हैं, रासलीला करती रहती हैं। जब गणेश का नाम कृष्णा रख दिया है तो गोपियां तो घूमेंगी ना। तू ही बता अब क्या करें? उसका नाम वापस चेंज करना पड़ेगा। फिर नाम चेंज करना है? इसे भी तू ही कर। वो काम भी मैं ही करूं क्या? ठीक है, एक कंडीशन है, अगले महीने भी ऑटो का भाड़ा नहीं मिलेगा। क्या सोच रही है? समझ नहीं है मेरे पास, जल्दी बोल। क्या नाम रखूं? आज से उसका नाम राम, क्योंकि राम की जोड़ी सिर्फ सीता के साथ जमती है। वो राम तू सीता, उस राम की सीता तू है। ए राम, तू कहाँ छुपा हुआ है? तेरी सीता तुझे ढूंढ रही है। अगर ये केस एमएलए अलवार का होता तो मैं इस केस पर इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा बहुत पुराना दोस्त था, वो सुसाइड नहीं कर सकता। मैंने इस केस की पूरी जांच की है, ये आत्महत्या ही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोलो सिस्टर। सर, उस दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी, जब मैं राउंड्स के लिए जा रही थी तभी एमएलए के रूम से आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलकर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा छोटा सा पेट में दर्द हो रहा है। उस समय उनके साथ कोई और भी था, मैं सिर्फ उसकी पेट ही देख पाई। और टाइम क्या था? 9:45। एमएलए की मौत का टाइम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ठीक ठीक दिया गया है, और सिस्टर ने भी उस आदमी को देखा था। कौन है वो? सर, कुत्ते की पूंछ की तरह पीए उनके साथ रहता था, वो हो सकता है क्या? सीबीआई की इंक्वायरी होने वाली थी, इसी डर से एमएलए साहब पेट दर्द का नाटक करके हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। शाम को बोले मुझे एक लड़की चाहिए, मैंने एक आदमी को उनके पास भेज दिया। वो आदमी लड़कियों की फोटो का एल्बम लेकर उनके पास आया था। उन्होंने मेरा फोन भी नहीं उठाया सर। जब मैं इंक्वायरी कर रहा था उस समय क्यों नहीं बोला? उन्होंने मुझे लड़की लाने के लिए भेजा था सर, उनकी बदनामी न हो जाए इसीलिए मैंने नहीं कहा। यानी मेरे दोस्त अलवार ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसे किसी ने जान से मारा है। वो कौन है, कहां हो सकता है? सर, मेरा नाम माणिकवासकम है, मुट्टुपट्टनम कलेक्टर ऑफिस में सीनियर कैशियर का काम करता हूँ सर। मेरी जुबान पर सब मुझे सम्मान देते हैं, बस आप ही जिद कर रहे हो सर। मेरा नाम कल्याणी है, मैं इनकी पत्नी हूँ। ये जो कहते हैं ये कभी झूठ नहीं बोलते, अगर आप इनकी बात नहीं सुनते तो मेरी बात तो मान लीजिए। हॉस्टल से हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही घर पर आता हूँ, फिर भी सुकून से नहीं रहने देते। तेल लगा कर नहाओ, तेल लगा कर नहाओ, बस यही। तेल डालकर नहीं नहाओगे तो गर्मी हो जाएगी, तो पापा को भी गर्मी हो जाएगी, उन्हें भी तेल लगा कर नहाना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सच कहा। तेल लगाकर नहीं नहाऊंगा, तेल लगाना ही पड़ेगा। रुकिए रुकिए। हे गणेश, तुझे स्कूल में मंत्र पढ़ा गया है ना, एक मंत्र सुना। ओम भूर्भुव स्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
इदं शुभबंधनं त्वं बंधेत, ओम त्वाम शुभबंधनं। चश्मा लगाकर भी कुछ दिखाई नहीं देता। दादाजी, उसके कांच तो यहाँ है। नालायक शरारती। एक तरफ से देखना मत, दोनों आंखें बंद करो। चलो दीदी। रेडी। अरे अरे, संभल कर। दादी, वो दोनों कहाँ है? वो दोनों उधर है। ओम भूर्भुवस्व तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देखो ना, नींद में भी पाठ याद करता है। हफ्ते में सिर्फ दो ही दिन मेरे हाथ का खाना खाता है, बाकी के दिन तो हॉस्टल में ही खाना खाता है। सुनिए, अपने बच्चे को अपने साथ ही रहने दीजिए। मेरी भी वही मर्जी है कल्याणी। जिस स्कूल में हमारा गणेश पढ़ता है, सिर्फ उसी स्कूल में संस्कृत मंत्र पढ़ाते हैं। सिर्फ दो साल। देखना, हमारा लाडला पढ़ के वापस मेरे पास आ जाएगा। मेरे पास नहीं, हमारे पास। हमारे पास आ जाएगा। जब मेरे पिताजी ने आपको दहेज में कार दी है, तो फिर आप बाइक पर क्यों जाते हैं? ये अपने लड़के से पूछो। कार में तुम आराम से जा सकते हो, फिर मोटर बाइक पे क्यों जा रहे हो? कार में जाऊंगा तो पिताजी को पकड़ नहीं पाऊंगा। भैया, ये लो। टाटा। चलता हूँ पिताजी। रिक्शा पटना। सबको टाटा। रिक्शे चलाना गाड़ी। चलता हूँ। अपना ध्यान रखना गणेश। यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। मैं एमएलए मिनिस्टर बनने के लिए राजनीति में आया हूँ। तू सब कलेक्टर, तू कलेक्टर बनने के लिए राजनीति कर रहा है, और ये अपना सिंधु एसपी और बड़ा पोस्ट करने के लिए दांव पेच खेल रहा है। अंदर आजा। आओ मानिकराम, ये तुम्हारा बेटा है। हाँ जी। हे, सबको नमस्कार कर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो स्मार्ट बॉय। सर, बच्चे को स्कूल में छोड़कर आता हूँ सर। दिन चाहे कोई भी हो, मानिकराम के लिए परमिशन है। मंडे है तो क्या हुआ? सर, सर आप पुलिस है ना, तो सब कलेक्टर के ऑफिस में गलतियाँ क्यों होती है? क्या बोल रहा है तू? गलतियाँ? यहाँ क्या गलती हो रही है बेटा? हाँ, दूसरे अक्षर में मात्रा गलत लिखी है। हाँ। क्या बात है, आपके बच्चे ने तो एसपी की भी बोलती बंद कर दी। आज के बाद ध्यान दूंगा गणेश। थैंक यू सर। सर बच्चा है, प्लीज सर बुरा मत मानिएगा। हाँ, कोई बात नहीं, काफी स्मार्ट बच्चा है, एक दिन मुझसे भी ज्यादा हिम्मत वाला बनेगा ये। हिम्मत वाला? चलता हूँ सर। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ। आज के मुख्य समाचार। मौसम विभाग से ये खबर आई है कि दक्षिणी समुद्री तट पर जोरदार तूफान आने की संभावना है, और प्राप्त जानकारी के अनुसार ये तूफान 60 किलोमीटर रफ्तार के साथ आएगी, और आगाह किया जाता है कि समुद्री तट पर रहने वाले मछुआरों को अपने जान माल की रक्षा के लिए दूसरी जगह चले जाए। समंदर के किनारे के पास के सभी घर और मकान तेज रफ्तार पानी की लहरों में बह गए। प्रतिदिन कई लाशों का मिलना अभी जारी है। सब कलेक्टर ईश्वर मूर्ति द्वारा तूफान में बेघर और घायल लोगों को 5 किलो चावल और कपड़े बांटने का कार्य संपन्न किया गया है। इस तरह से सभी लोगों को उनकी सहायता मिल रही है, और इससे उनका तनाव थोड़ा कम हो रहा है। प्रजा उनकी आभारी है। कलेक्टर के आदेशानुसार पीड़ितों को मुआवजे के रूप में पैसा वितरण किया गया है। सिर्फ कल्पना को पैसा मिला है, ना तुझे मिला है ना मुझे मिला है। मुत्तू स्वामी, तुझे पैसा मिला? अरे नहीं मिला, बाद में हो बोलकर भगा दिया। तीन आदमियों को पैसा आना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं आया। ये क्या ना इंसाफी है, हमारे पैसे को भी ये लोग नहीं देते। अरे हमें भी पैसे चाहिए। हमारी मदद कीजिए। आराम से, आराम से। क्या हुआ बोलो? बाकी सबको पैसा मिल गया है, हमें पैसा मिला ही नहीं साहब। पैसा नहीं मिला? हमें पैसे नहीं मिले।
नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले। रुको, मैं अभी आता हूँ। जब इतने सारे लोगों को पैसा नहीं मिला है तो वाउचर में इनके साइन कैसे आ गए? अरे ये डर गया। मानिकराम, अगर 20 करोड़ उनको दे देंगे तो उनकी गरीबी हट जाएगी क्या? अरे वही घर रहेगा, वही चटाई रहेगी, अरे वही चौका होगा। अरे पैसा पैसा हमारे लिए बहुत जरूरी है। शांत हो जाओ मानिकराम। अपने मानिकराम को दो दो लड़कियां हैं, इसे हम 25 लाख रुपया दे देते हैं, ठीक है? टेंशन खत्म। क्या सर, ये सब नाइंसाफी है? इस दुनिया में आंख नाक कान के बिना लोग रह सकते हैं, लेकिन बिना पेट के नहीं रह सकते सर। गरीबों के पेट पर लात मत मारो। डोंट वरी, तुम घबराओ मत, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत चिल्लाएंगे और बाद में सब कुछ भूल जाएंगे। मैं नहीं होने दूंगा सर, मैं हाईकोर्ट तक जाऊंगा। भगवान मेरी रक्षा करना। जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की नली। मैं अगर शांत रहूंगा तो ये उतना ही आगे बढ़ेंगे। इसको उठाकर बंद कर दो, खत्म कर दे। चलो अच्छा है। हाँ। वो बेहोश है, उसे जलाकर मार दो। ठीक। रुको रुको रुको, उन लोगों ने आपको घासलेट डालकर जलाने को बोला है। ये देखो माचिस भी दिया है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा। आप यहाँ से भाग जाइए। जाइए सर, जाइए ना। उन आदमी को पैसा मिलना चाहिए। पहले जाकर अपनी फैमिली को बचाइए। आपके परिवार को मारने का एमएलए ने ऑर्डर दिया है। ये सब शैतान है, ये पाप करने के लिए सोचते भी नहीं है। अपने परिवार को लेकर ये शहर छोड़कर चले जाइए और साहब को जाकर बताइए, इन लोगों को छोड़ना मत। धन्यवाद आपका। ए कलेक्टर, तुम्हें क्या करना है जानते हो ना? अच्छी तरह से देखना है यहाँ मेरी एक्टिंग। कलेक्टर साहब, हमें हमारा पैसा चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मुआवजे के पैसे चाहिए हमें। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए आप लोग। मैं अंदर जाकर देखता हूँ, आप शांत रहिए। एमएलए है, पुलिस है, सब कलेक्टर है, सब ठीक हो जाएगा, शांत रहिए आप। हेलो, जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया। वेरी गुड, फोन रख, मैं देख लेता हूँ। आप सब लोग यहाँ से चले जाओ, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ पे मत आना। आप क्या कह रहे हैं, आपकी जान खतरे में है। नहीं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। पब्लिक को बेवकूफ बनाकर सारा पैसा खा चुके हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। आप लोग समझते क्यों नहीं, कहीं दूर चले जाओ। मिले जाने में डर लगता है, आप भी चलो ना। देखो, तुम्हें कहीं सुरक्षित जगह पर छोड़कर मुझे बड़े ऑफिसर से जाकर मिलना होगा। चलो जल्दी करो। ड्रामा चालू करो। साहब क्या गलती है साहब, पता चल गया, बोलो ना साहब। आप लोगों को पैसा मिला कि नहीं? नहीं मिला। नाम क्या है? शिवा स्वामी, 36 पौनी विधि।
लेकिन मानिक साहब ने तो आपको पैसा दिया है, आपने साइन भी किया है। मुझे कोई पैसा नहीं मिला और मेरा हस्ताक्षर भी नहीं है। क्या आपका साइन नहीं है? इस रसीद पर मेरे पिताजी का साइन है, वो तो सुनामी में खत्म हो गए, उसी के नाम पर तो आप पैसा देने वाले थे। जिन लोगों की साइन है वो लोग मर चुके हैं। माय गॉड, मरे हुए आदमी के नाम पर और झूठ बोलकर सबका सबका पैसा लेकर भाग गए वो। उस हरामी को तो सजा मिलनी ही चाहिए। क्या आदमी है? मुझे माफ कर दो, अगर 50 या 1 लाख की बात होती तो मैं उसे माफ कर देता, लेकिन बात करोड़ों की है, मैं क्या करूं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन सर वो अभी गांव छोड़कर भाग भी सकता है। हाँ। हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा, चलो। सुनिए, गणेश को भी साथ ले चलते हैं ना? उसके लिए अभी समय नहीं है, पहले तुम लोगों को छोड़ देता हूँ, उसके बाद गणेश को लेकर आऊंगा। वो देखो हम सबको धोखा देकर गांव से भाग रहा है, मारो उसे, पकड़ो उसे। कुछ भी हो जाए कार से बाहर मत निकलना। मैं जो कहना चाहता हूँ सुनो, जानवरों की तरह क्यों झगड़ रहे हो? रुको, किधर जा रहा है तू? पब्लिक का पैसा नकली साइन करके लेकर भाग रहा है तू यहाँ से? पकड़ो उसे, कभी सुखी नहीं होगा पापी। वो झूठ बोल रहा है, उसकी बात पर विश्वास मत करो। सच क्या है मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर मानिकराम, बिना हाथ पैर के इंसान रह सकता है, लेकिन भूखे पेट कोई नहीं रह सकता। भरोसेमंद इंसान समझकर कलेक्टर ने तुझे पैसे दिए थे। ए, तू मत बोल। नहीं मानिकराव, गरीबों का पैसा उन्हें वापस कर दो, नहीं तो गुस्से में कुछ भी कर देंगे। डिक्की चेक करो, पैसा, ये वही पैसा है। अरे ये हमारा पैसा है जिसे लेके भाग रहा था। लो अपना पैसा लो। अरे ये हमारी पेटी नहीं है। उन्हें छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्हें छोड़ दो। अरे सुनो, गलती मानिक की है, उसकी पत्नी का क्या दोष? उसे तुम कुछ मत करना। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या बड़े मियाँ, पैसा देखा तो आप भी चुप हो गए? नीचे उतर चल। अरे बोला ना, नीचे उतर। ए, ए, चल नीचे, चल बाहर। मेरी बात गौर से सुनो, एमपी, एमएलए, सब कलेक्टर, सब मिलकर। इसने चोरी ही की है, जान से मत मारो इसे। मानिक राम, गलती कबूल कर लो, गुस्से में ये लोग चाकू भी मार सकते हैं। मेरी कंप्लेंट करेगा, अब जाकर कर, जा चल जा। अरे रे, किसी ने मालिक राम को चाकू मार दिया। अरे तो उसे गाड़ी में लेकर जल्दी चलो। क्यों कार से बाहर आ गए मानिक? गलती किया। आओ आओ गाड़ी में बैठ जाओ, ये पब्लिक ऐसी ही है, पैसे के लिए लोग कुछ भी करते हैं। आओ गाड़ी में बैठो, गाड़ी से उतरना नहीं, पब्लिक को हम संभाल लेते हैं। ये क्या हुआ, अब क्या करें? चलिए जल्दी यहाँ से चलते। सुनो रुक जाओ, उसके परिवार के साथ कार को जलाओ मत। अरे डिक्की में जो पेट्रोल है उसको निकालना मत, समझे? नहीं सुनिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, सुनिए। गरीबों का पैसा लेकर भाग रहा था, या तू अब ऐसे ही जल के मर? पब्लिक के दंगे में एक परिवार जलकर राख हो गया, अब इस दंगे को रोक देना चाहिए। इसके लिए सब कलेक्टर की परमिशन चाहिए। ठीक है। पापा।
गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु मातृदेवताभ्यो नमः पितृदेवताभ्यो नमः। गणेश, बड़े बड़े लोग काशी हरिद्वार जाते हैं, तू बहुत छोटा है इसलिए यहीं पे इन अस्थियों का विसर्जन कर दे, मैं चलता हूँ। मेरे पिताजी कभी गलती नहीं कर सकते, कभी गलती नहीं कर सकते। जो हुआ उसे भूल जाओ गणेश, मेरे पिताजी कभी गलती नहीं कर सकते। तेरे पिताजी नहीं रहे ये मत सोचो, अगले साल तुम्हारी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम कर दिया है, जाओ जाके खेलो। गणेश, तेरे नाम का एक लेटर आया है। मेरे प्यारे बेटा गणेश, मैंने तुम्हारे पिताजी ने जल्दी में लेटर तुम्हारे लिए लिखा है। ये लेटर तुम्हें मिलने के समय मैं जिंदा ना रहा तो ये लेटर तुम्हारे लिए एक इंफॉर्मेशन है। मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूं कि मैंने पाप नहीं किया है। इस लेटर में मैंने जो सबूत दिए हैं वो तू जनता को दिखा और असली गुनहगार कौन है ये बता। ए गणेश, क्या पढ़ रहा है उधर, इधर आ। सर, सर, मेरे पिताजी के ऊपर गलत इल्जाम लगाया है, सच्चाई के लिए मेरे पास ये सबूत है, मेरे पिताजी ने कोई गुनाह नहीं किया है। लाओ दिखाओ। उन कमीनों ने ही तुम्हारे पूरे परिवार को मारा है, इन लोगों को छोड़ना नहीं। ये लेटर दिखाकर हम उन्हें सजा दिलाएंगे, कल सुबह बड़े साहब को ये दे देंगे। जा, जाके सो जा। सर, उन तीनों को सजा मिलनी ही चाहिए। सजा जरूर मिलेगी, अब तू सो जा। हेलो, आखिर तुम चाहते क्या हो? आपने जितना पैसा लूटा है उसमें जो मैं मांग रहा हूँ बहुत कम है। कल सुबह 8 बजे पैसा लेकर आ जाओ, मैं तुम्हें लेटर दे दूंगा, नहीं तो 8:05 को लड़के के साथ सीनियर ऑफिसर के पास चले जाऊंगा। नहीं नहीं, हम पैसे लेकर पहुंच जाएंगे। मैं इंतजार करूंगा। मानी का लड़का है वो तो बहुत छोटा है, वो गांव छोड़कर कहां भाग के जाने वाला है। आप चिंता मत कीजिए, कल सवेरे तक वो लड़का और लेटर लेकर आपके पास लाने की जिम्मेदारी मेरी, आप डरिए मत। अच्छी लड़की थी, पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया। अरे जल्दी से ऑटो रोको। अरे रोको, चिल्ला क्यों रही हो? टाइम नहीं है, जल्दी चलो चलो चलो। लेकिन ये तो बताओ कहाँ? अरे महिलापुर में चिंतागिरी है, ले चलो। अरे तो ऐसा बोलो ना, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी जाता हूं। चल चलो। विद्या सीरियस है? ए आंटी, ये तो बताओ विद्या की उम्र कितनी होगी? अभी तो 24 साल की है बेटा। ये तो कम उम्र की लड़की है। हाँ बेटा, वो गर्भवती भी है, 12 बजे तक तो वहाँ पहुँचना है। अरे जल्दी चलो बेटा, जल्दी चलो। मुझे तो डर लग रहा है, विद्या के सर पर चोट लगी है। विद्या के सर पर चोट लगी थी, प्रॉब्लम क्या थी? उस कुत्ते हरामी ने बहुत जोर से धक्का दिया उसको। वो आदमी कौन है उसका पता बताओ, मैं उसको अपने होठों से कुचल देता हूँ। अपना काम करो, सामने दिखकर चलाओ। हाँ, कभी दारू के लिए कभी चरस के लिए हमेशा इधर उधर भटकता रहता है वो गौतम, क्यों शादी की इसने? अरे अरे अरे। अगर वो बचकर आ जाएगी तो मैं गणेश को नारियल चढ़ाऊंगी। रुको 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 रुको, यही घर है ना? अच्छा अच्छा, उतरो। क्या हुआ? जल्दी उतरो। बहुत अच्छा आदमी है, 12 बजे से पहले ले आया है पैसे। मम्मी मम्मी इधर आओ। ओ माँ, वो लड़की इतनी छोटी है, सर पर चोट लगी है, ऐसा क्या हो गया? वो नालायक गौतम और उसकी औरत 2 हफ्ते से झगड़ा चालू था उनमें।
कल तो गौतम ने बालकनी से धक्का मार दिया, उसको नीचे गिर गई। बालकनी से धक्का मार दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं कैसे बताऊं, जैसे ही गिरी कंटिन्यू लिखकर रुक गया। कंटिन्यू लिखकर उसने रोक दिया? आप सब किसके बारे में बात कर रही हैं? तू टीवी में जीवन नीति सीरियल नहीं देखते हो क्या? इतनी देर तक आप सब सीरियल के बारे में बात कर रही थी और नहीं तो क्या? अरे एक औरत तो, मैं सीरियस समझकर ट्रैफिक में जान की फिक्र ना करते हुए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया और तुम सीरियल के बारे में बात कर रही थी और बीच में क्या हुआ कैसे हुआ? जल्दी चलो रुको, अभी बताता हूँ मैं तुमको। बस रुको, ए रुको, कहाँ जाती हो? रुको, तुम्हारी तो जस साहब, इस दुकान का उद्घाटन करने के लिए धन्यवाद। अरे वो देखो गणेश। अरे गणेश आ गया, चलो चलो चलो। हेलो गणेश, कैसे हैं आप? एकदम ठीक। दादाजी पब्लिसिटी गणेश। दुकान के अंदर वीडियो कैमरा? दुकान के उद्घाटन करने के लिए जज साहब आए हैं। अरे जज साहब नमस्ते सर। नमस्ते। एक ऑटोग्राफ सर। दुकान के अंदर आया हूँ तो पब्लिसिटी के लिए एक फोटो ले लेता हूँ सर। नमस्ते सर। सर एक फोटो, एक फोटो प्लीज। टोइंग, ये ले देवा। अरे गणेश तुम कब आए? सुबह किधर है? वो अंदर खाना खा रहा है। ए सुबो, ये ले तेरे लिए। स्टॉप, कपड़ा देकर हम लोगों को मत पटा। पहले तू ये पता कहाँ गया था? राजमंत्री। राजमंत्री साथ में और कौन था? बहुत थे मेरे साथ, सबका नाम मुझे याद नहीं है। बहुत थे देवा, ये अभी तक कृष्णा ही है, राम नहीं बना है। फॉलो मी। ए सुन, तेरे साथ जो भी लोग थे उनमें से कोई एक अच्छा नाम बता। मेरे साथ 900 यात्री थे, सबका नाम कैसे याद रख सकता? अरे रुक रुक रुक, मैं रुका ही तो हूं, बोल। उसका नाम बता जो तेरे बाजू में बैठी थी। रंगराव, उम्र 60 साल। और दूसरी तरफ सचिन। इस तरफ सचिन, दूसरी तरफ सहवाग, तो सामने के राहुल गांधी बैठा था। रुक जरा, तू इतने दिनों से कहां घूमने गया था? मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा। तू अभी तक कहां था? राजमंत्री। ये क्या है पढ़? चेन्नई कॉटन। राजमंत्री स्पेशली तेरे लिए चेन्नई कॉटन बेच रहा है। मैसूर सिर्फ मैसूर में मिलता है, यहाँ नहीं मिलता? हाँ मिलता है। कांजीवरम साड़ी कांजीवरम में मिलती है, कहीं और नहीं मिलती? हाँ हर कहीं मिलता है। वैसे ये अकल के दुश्मन। बड़ी आसानी से मेरी बोलती बंद कर दी, और तो और मेरे सिर पर भी मारा। मेरा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, देख कितने प्यार से मेरे लिए साड़ी लाया है। अरे पगली, साड़ी देकर वो अपनी गलतियां छिपा रहा है। वो किधर गया था ये मैं अपने क्रिमिनल दिमाग से पता लगा कर आऊंगा। फॉलो मी। मेरा डायलॉग मुझे ही। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे फोन तो तूने किया ना। आई एम सुब्रमणि। आई एम अंजलि। ओके, गांव से कभी आई? अभी। कौन से गांव गई थी? राजमंत्री। किसके साथ गई थी? तू? ओके। क्या पागल है, जब देखो बिना मतलब के मुझे फोन करता है। ये भी राजमंत्री गई थी, वो भी राजमंत्री गया, आप समझ जाओ। मुझे लगता है कि तुझे कुछ हो गया है, ये मेरा राम ही है। शहर की सब लड़कियां उससे प्यार करेगी, लेकिन राम सिर्फ सीता के पास आएगा। अरे रे रे रे, ये साड़ी देवा। राम राम बोलकर तू उसके चक्कर काटेगी, वो अंजलि अंजलि बोलकर उसके पीछे जाएगा, फिर मैं कि तुम्हारे चक्कर में पंचायत बनकर घूमूं? अरे बाहर में जाओ तुम लोग, और सुन बाथरूम में लोटा लेकर जा रहा हूँ, बाद में आकर ले जाना। सर खून गणेश ने नहीं किया, वरना वो बोलने पर सरेंडर कर देता। सपोज सच में अगर मुजरिम नहीं पकड़े गए तो? ये जानते हुए भी गणेश ने रिस्क लिया, इसीलिए मैंने उसे फॉलो किया। सर मेरे एक दोस्त की खुद की एड कंपनी है, जिसके जरिए मैं गणेश को अच्छे से जान पाई। उसे एड फिल्म करने का 1,00,000 रुपया मिला था, जो उसने सारा रुपया अनाथ आश्रम में दे दिया। तभी मैंने सोचा जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कहानी है। मुत्तुपट्टनम में उसको फॉलो करते हुए मेरा शक यकीन में बदल गया। स्टॉप, रिवाइंड, वेट, फ्रीज, ज़ूम फॉरवर्ड। आई एम श्योर सर, ये MLA अवतार की ही फोटो है। गणेश के बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानकारी मिली? जहाँ ये MLA एडमिट था उसी हॉस्पिटल में गणेश भी था, और अब मुत्तुपट्टनम में गणेश ने MLA का फोटो जलाया। इसमें कुछ तो लिंक है सर। गुड वर्क, उसकी हर हरकत की मुझे रिपोर्ट चाहिए, समझ गए ना? यस सर। इसके तार VIP से जुड़े हैं, टॉप सीक्रेट है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। श्योर सर। धन्यवाद साहब। धन्यवाद। कितना बड़ा दिल है आपका, जो बच्चों को पढ़ने के लिए किताब बांट रहे हैं। अगर आपको धन्यवाद करना है तो कलेक्टर साहब का कीजिए, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। ए उन्होंने ही दिया है, खाइए, सब लोग खाइए। हमारे चिंगलपट में कई कलेक्टर आए, लेकिन के जैसा कलेक्टर नहीं आया, जब चाहे कोई भी बिना परमिशन के डायरेक्ट बात कर सकता है।
अरे सिंधुपति, यहाँ अचानक कैसे? मैं तो अगले हफ्ते चेन्नई में हो रही कलेक्टर मीटिंग में आने वाला था, फिर तुम क्यों 60 किलोमीटर गाड़ी लेकर यहाँ तक आए? अगर कोई बात है तो फोन पर ही बता दिया होता। वो मुमकिन नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। अपने दोस्त एमएलए अलवार ने आत्महत्या नहीं की है। पब्लिसिटी करने वाला ऑटो ड्राइवर गणेश ने एमएलए अलवार का मर्डर किया है। अगला शिकार तुम हो सकते हो या फिर मैं। अरे क्यों डर रहा है? डरने वाला इंसान हार जाता है। मैं कलेक्टर हूँ, तू कमिश्नर है, हमारे पास किस पावर की कमी है? अरे 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 अरे, पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करना ही तो तुम्हारा काम है। नमस्ते। अरे बैठो बैठो बैठो, मुझे क्यों इतनी इज्जत दे रहे हो? अलवार तुम्हारा 30 साल पुराना दोस्त है, वो अकेला कैसे रहेगा? आपके आने का वो इंतजार कर रहा है। पहले आप या पहले आप? पहले कौन जाएगा? पर छोड़ता हूं, ये गारंटी है मेरी। आप लोगों का खून मैं नहीं करूंगा, पर 2 विकेटों में से 1 विकेट जरूर जाएगी। अब ये बॉल कब डालू? लेकिन तेरी मौत मेरे ही हाथों होने वाली है। सब लोग अंदर आ जाओ, सब लोग अंदर आ जाओ। सब लोग अंदर आ गए। आ जाओ अंदर आ जाओ। आ जाओ जल्दी, कलेक्टर साहब का ऑफिस है, जल्दी आ जाओ अंदर। सब लोग आ गए क्या? वेरी गुड साहब, आपके कहने पर हमारे युवा योद्ध मेंबरों के द्वारा आपने धोती साड़ी चावल सब दिया, धन्यवाद साहब। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? हार पहनो, चलो हार पहनो। हाँ पहनो, हार पहनो, सब लोग हार पहनो। आओ सब लोग हार पहनो, हमारे कलेक्टर साहब बहुत भले हैं, अपॉइंटमेंट के बिना मिलते हैं। पहनो। ये सब तूने किया है, ऐसा बोलकर मैंने ही इन सारे एसोसिएशन वालों को बुलाया तेरे सम्मान में। पर ये हार तेरे सम्मान के लिए नहीं, तेरे मौत का एडवांस बुकिंग है। सब लोग ताली बजाओ। ये हमारे कमिश्नर साहब हैं, जैसे हमारे कलेक्टर साहब हैं, वैसे ये भी अच्छा आदमी है। पहना इसको भी। जो कुछ हुआ है सब ठीक हुआ है, और जो होने वाला है वो भी अच्छे के लिए होगा। हाँ सब लोग हार पहनो। अच्छे लोगों को सही समय पर हार पहनाते हैं, जैसे कलेक्टर को हार पहनाओ वैसे कमिश्नर को हार पहनाओ, दोनों अच्छे आदमी है। पहनो। डॉक्टर। यस। मैं कमिश्नर सेंदूरमन स्वामी बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। जिस समय एमएलए अलवार एडमिट थे उस समय उनका ब्लड टेस्ट तो किया होगा? ऑफ कोर्स। मुझे वो रिपोर्ट मिल सकती है? एक मिनट सर। वीआईपी की आत्महत्या हुई है, इसीलिए उसे संभाल कर अलग से रखा है। थैंक यू। अभी देख मैं कैसे शिकार करता हूँ। Come on, Ford, जल्दी इस एरिया के ऑटो स्टैंड, होटल, सब जगह चेक करो, जल्दी क्विक। सर, यहाँ पर क्या हो रहा है? गणेश को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स है। गणेश ने ही एमएलए अलवार का खून किया है, इसका सबूत मिल गया है। अब गणेश हमसे नहीं बच सकता। गणेश, पुलिस ये तुझे पकड़ने आई है, भाग जा। वो रहा गणेश, पकड़ो उसे, जल्दी कर, भाग। ए गणेश रुक, भाग जा, रुक जा, रुक जा गणेश, रुक जा गणेश, मैं कहता हूँ रुक जा। रुक जाओ, ओहो ये कैसी मुसीबत है। अब मैं क्या करूं सर? ये मिट्टी उठाकर मेरे सर पे डाल, रोड पर चलाने के लिए कहा था, रेत पर नहीं। मुझसे पूछ रहा है क्या करें, चल भाग यहां से। ए रुक, पकड़ो उसे, ए रुक, भाग गया वो। रुक जा। Hey!
दूसरी गली से निकाल जल्दी। हेलो, क्या हुआ? भाग रहा है सर, पकड़ में नहीं आ रहा। चलो। उस तरफ चलो। जल्दी जल्दी। हाँ हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ मेरा फोन। द मेन रीजन व्हाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ कलेक्टर मीटिंग में 5 मिनट के बाद पावरफुल बम फटने वाला है। क्या? कौन बोल रहा है? यूथ एसोसिएशन की जय हो। एक्सक्यूज मी, यहाँ मीटिंग में बॉम्ब रखा है। कम ऑन फास्ट। केपी, ओह माय गॉड, आपने खुद अपने दोस्त को मार दिया कमिश्नर। आप दोनों का खून मैं नहीं करूंगा, लेकिन दो में से एक विकेट जरूर गिरेगी। चॉइस तुम्हारी है, कौन पहले जाएगा? कलेक्टर की मीटिंग की तरफ क्यों भाग रहे थे? पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए आई थी। अब स्टैंड पर अरेस्ट होता तो दुनिया को कैसे पता चलता? इसलिए मैं भागकर कलेक्टर मीटिंग में आ गया। आप लोग वहीं थे ना? मुझे पब्लिसिटी चाहिए ना। वहाँ देखा तो सब लोग बाहर भागकर आ रहे थे। क्यों? कलेक्टर ने आप पर गेम क्यों चलाया? हेलो, गुड मॉर्निंग पुलिस। क्या हुआ, आप सोच रहे मैं इतने प्यार से क्यों पुकार रहा हूं? पहली बार जब आप एड फिल्म के लिए मुझे ढूंढने आई थी, एक्चुअली मुझे तभी डाउट हो गया था। आपने झूठ बोलने की एक्टिंग की, मैंने सच जानने के लिए एक्टिंग की। वीडियो कैमरा लेकर मेरा पीछा किया, दैट इज पुलिस ब्रेन। कलेक्टर ऑफिस में बॉम्ब रखा है, ये फोन मैंने ही किया था आपको, लेकिन आप मेरी आवाज नहीं पहचान पाई, ये मेरा क्रिमिनल दिमाग है। जल्दी ही सब खत्म होने वाला है। मिनिस्टर का खून करके खुद को बहुत चालाक समझ रहे थे। हाँ, अब तो सबूत के साथ पकड़े गए। ओपनिंग सीन में इतना बोल रही हो, चलो अभी तो पूरा क्लाइमेक्स बाकी है। चलो रे। उस कमीनी ने गणेश को अपना दोस्त बनाकर पब्लिसिटी के बहाने उसे धोखा दिया है। अभी नाच इसके साथ। पहले तू नाचना बंद कर, ये कोर्ट है। इस शर्ट पर जो खून है वो मिस्टर अलवर अरोरा का खून है, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट में साबित हो चुका है। एमएलए अलवर अरोरा का खून तुम्हारी शर्ट पर कैसे लगा? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरी शर्ट पर एमएलए का खून कहाँ से आया? हाँ, बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा है। एमएलए का खून हुआ 16 तारीख को और उनको जलाया गया 18 तारीख को। मैंने ये शर्ट कब खरीदा आपको पता है? दूसरे दिन 19 तारीख को। वो आपको भी मालूम है सर, उस दिन लिया हुआ फोटो और बिल। ये सर, इस फोटो में आप भी है साहब, ये लीजिए। वहां जो फ्री शर्ट दी गई थी वही शर्ट मेरे फ्रेंड सुब्रमण्यम ने पहनी। ये फोकट का है क्या? तू? मैंने डेट के हिसाब से सारे प्रूफ दे दिए। अब ये बताइए कि एमएलए के खून का इल्जाम मेरे सर पर क्यों आएगा? कलेक्टर पर जो फायरिंग हुई है एक एक्सीडेंट है, और इस बात का बयान कमिश्नर भी दे चुके हैं और कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। गणेश के ऊपर लगाए गए आरोप गलत हैं। पुलिस ने जो आरोप लगाया है वो सरासर बेबुनियाद है, इसलिए अदालत गणेश को बेइज्जत बरी करती है। ये हमेशा सबको पॉइंट पर पकड़ता है। इसे रामकृष्ण की जगह मेरा नाम रखना चाहिए था, सुब्रमणी। नहीं, सुब्रमणी सुब्रमणी का दोस्त है, इतना तो चलता है। ये तमाशा कितनी देर से देख रहे हो सर? ये जब से गड्ढे में फंसा है तब से देख रहे हो, मदद नहीं कर सकते हो? आपने कहा ही नहीं। कहूंगा तभी करोगे। यस प्लीज हेल्प मी। हेल्प? ये क्या है सर? प्लानिंग। उसका मतलब? योजना। ओ इधर।
उठा। उठा ना रे, उठा। सर, ऑटो के ऊपर पैर मत रखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ऊपर पैर रखा। ये किस लिए? ऑटो गंदा हो गया था। क्या दिमाग पाया है सर आपने? जोर लगा के सच में आप बहुत महान हैं सर। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। एक मिनट, आप मदद करके कहाँ जा रहे हैं? तो मेरा क्या काम है सर, मैं भी कुछ आपकी मदद करूँ। क्या मदद करने वाले हो? आपको कहाँ जाना है मुझे बताइए, मैं छोड़ा आता हूँ। इतना रिस्क आप क्यों लेते हैं? इसमें क्या रिस्क है सर, आपने मेरी मदद की, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, चलिए ना सर। नहीं सर, आप बैठेंगे तो मेरा ऑटो खुश हो जाएगा, आइए ना अंदर बैठिए। अरे नहीं सर, आपको आना पड़ेगा। जब ये इतना बोल रहा है तो हम लोग इसी के ऑटो में चलते हैं ना। क्या बात है, बहुत जिद कर रहा है मामा। हाँ चलो चलते हैं। मामा भी बोल दिए बैठ जाओ। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मेरे बैठने के बाद मीटर के पैसे मत देना। मीटर क्या मीटर, नहीं चाहिए मीटर, मीटर रहेगा तो ही ऑटो चलेगा क्या? अरे लेकिन अपने फर्ज देना चाहिए, मैं वही आदमी हूँ। सच में आप फर्ज निभाने वाले आदमी हो, और नहीं तो क्या? फर्ज के लिए आपने मीटर तोड़ दिया। चलो बैठो सब। आओ बैठो बैठो। आकर बैठ तो गए, उतरना कहाँ ये तो बता ही नहीं रहे। मैंने भी पूरा शहर घूम लिया, अब तो पूछना ही पड़ेगा। ए सर, ए सर, सर सर, ये क्या, आप तो सो रहे हो, आपको जहाँ उतरना है शायद हम पीछे छोड़ आए हैं। कितने किलोमीटर आए आप? शहर से बाहर 8 किलोमीटर आ गए हैं। अरे रे रे, अभी तो 3 दिन लगेगा। 3 दिन लगेगा, ऐसी कौन सी जगह है वो? रामेश्वरम। रामेश्वरम, मैं रामेश्वरम। मेरा भाई तिरछी उतर जाएगा और मामा मदुरे उतर जाएगा। मैं रामेश्वरम में टकला होकर वापस आते समय पिकअप करके यहाँ आऊंगा, उसके बाद हम कन्याकुमारी जाएंगे। कन्याकुमारी भी? मैंने सोचा आसपास उतरोगे, ये सोचकर मैंने तुमको ऑटो में बिठाया और तुम रामेश्वरम कन्याकुमारी जाओगे। उतर नीचे। इतने प्यार से बिठाया, आप उतरने को बोल रहे हो? अभी प्यार से बोल रहा हूँ, उतर नीचे। मामा गुड़िया दे इधर। गुड़िया लेकर मैं क्या करूँगा, जा बच्चों को जाकर दे देना। जो तू सोच रहा है वो नहीं है बेटा, ये गर्दन हिलाने वाला गुड़िया नहीं है, चाकू गर्दन काटने वाली गुड़िया है। अब तो पूरा तमिलनाडु घूमेंगे। पूरा तमिलनाडु, आंध्र भी घूमेंगे। आंध्र भी? कमिश्नर साहब कब बाहर निकलेंगे? आते ही होंगे, इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए सीएम ने बुलाया है। मुझे पूछे बगैर वो कोई भी डिसीजन नहीं लेते। ज्यादा लेट होगा? हो सकता है 12 बजे तक मैं लौट कर आ जाऊँ। डैडी, स्कूल का फंक्शन है। एकेडमी हॉल है ना, डोंट वरी, मैं परमिशन लेकर देता हूँ। ओके बॉस, थैंक यू। पिताजी मैं जा रहा हूँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। डैडी, लाइट किचन के स्टैंड पर माचिस कहाँ है? तुम लोग वहीं रहो, मैं लेकर आता हूँ। लाइट क्यों चली गई? कैसा पुलिस वाला है तू? 2 घंटे से तेरे घर में बैठा हूँ, तुझे मालूम नहीं? तेरे घर की लाइट मैंने काट दी, तेरे गर्दन काटने में कितना समय लगेगा रे? अगर तू चालाक है तो मैं तुझसे बड़ा चालाक हूं। अब तेरी बारी है, लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा। गांव वाले भी वहां रहेंगे, तेरे डिपार्टमेंट वाले भी वहां रहेंगे, फिर भी तू कुत्ते की मौत मरेगा। इसे चेतावनी नहीं, प्रॉमिस समझ। क्या हुआ डैडी? क्या हुआ तेरे डैडी को? नहीं पता। मैंने पूछा ना क्या हुआ। दिनेश कहाँ है? दिनेश कहाँ है? दिनेश? हाँ? यही तो था। दिनेश, 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 डैडी, वो? हाँ? डैडी मैं यहाँ हूँ। मेरे पास आ जा। डर गए थे ना? सुनो क्या हुआ जी, कहो तो। क्या हुआ? हाँ? हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं।
हम 20 आदमी 30 हथियार, एक आदमी दो हाथ, क्या करेगा तू? समझा क्या? तुम बोल कर मारते हो, मैं बिना बोले मारता। जब तू मुत्तुपट्टनम बस में चढ़ा, उसी वक्त तुझे मारने का सोच लिया और तूने मुझे चैलेंज किया। मुझसे जब कोई पंगा लेता है तो मुझे अच्छा लगता है। तूने तो हद ही कर दी, लेकिन तुमने तो मुझे मारने की सोची और वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। तू बहुत होशियार है। मेरी मौत तो अपना पूरा गाँव देखेगा, लेकिन तेरी मौत सड़क पर चलने वाले लोग भी देखेंगे। कहाँ गया तेरा चैलेंज मिस्टर चाणक्य? कहां गई तेरी चाणक्यगिरी? हाईवे पर ट्रैफिक बहुत ही तेज रहता है। तू बीच सड़क पर बैठा है, कोई भी तुझे मार कर चला जाएगा। बाय। Attention! Right, more, running. Left, right, left, right, left, 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 right, left, right, left, right, left, 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 right, left, left, right, left, right, left, right, left, left, right, left, left, right, left. नमस्ते साहब। मॉर्निंग। इलिंग। हेलो, कौन है साहब? आपके लिए फोन। मेरे लिए? कमिश्नर से बात करेगा बोलता है, आप वहां से रिसीव कर लीजिए।
हेलो गुड मॉर्निंग कमिश्नर, तेरा ब्लू ट्रैक सुपर है लेकिन ट्रैक सूट जो पहना है वो बहुत गंदा लगता है। कौन है मेरे साथ मजाक कर रहा है? हाँ फोन मत रखना, तेरी जान खतरे में है। अब उस दुकान वाले को बोल बाहर आए। What? ठीक है मैं ही उसे बाहर भगाता हूँ। अरे 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 क्यों गोली चला रहा है? ये देखो बंदूक लेके डरा रहा है आदमी। ए, कौन है तू? धरती में दफना है तो भी उठ कर आऊंगा, अगर मुझे जलाए तो अस्थि में से उठ कर आऊंगा क्योंकि मैं चाणक्य हूँ। आवाज सुनाई दे रही है? जानता है मेरे हाथ में क्या है? राइफल, पावरफुल टेलीस्कोपिक राइफल। थोड़ा झुक कर देख कि गोली कहां चलाऊं मैं, तेरे सीने पर, तेरे गले पर, तेरे नाक पर या तेरे माथे पर? बोल कहां चलाऊं गोली, कहां है, कहां है? ब्लडी हेल, अपने आप को बहादुर समझते हो? छिपकर कौन सा खेल खेल रहा है? सामने क्यों नहीं आते? अगर पागल कुत्ते और जहरीले सांप को पकड़ना है तो पीछे से ही पकड़ते हैं, लेकिन मैं तेरे सामने ही हूं, कार के अंदर बैठा हूं। ये क्या हुआ? अरे क्या हो गया इधर? अरे ये तो आग लगी। मैं कार में हूँ, ये झूठ कहा था। तेरे चारों तरफ जितनी खिड़कियां दिख रही है ना, उसमें से एक खिड़की में मैं हूँ। ये है, ये युद्ध तंत्र है, तेरी तरह हिचड़ागिरी नहीं है। क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे? ए रुक 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 रुक, एक मिनट, शायद कोई आ रहा है। अरे इतनी भीड़ क्यों है, क्या हो रहा है? हाँ कमिश्नर साहब, उनकी कार जल रही है। सर आपकी कार क्यों जल रही है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये है क्या, इसको बोल इधर से जाए, चल भाग। हाँ? आप बाहर आइए सर, मुझे एक फोन करना है। चल हट। हाँ? मैं नहीं जाऊँगा। तेरे हाथ में जो गन है उसे दिखाकर उसे डरा और भगा? अगर वो नहीं जाना चाहता तो मैं उसे गन दिखाकर कैसे भगाऊं? तू भगाता है या उसके माथे का निशाना मैं लगाऊं? चल जा। हाँ? हाँ? अरे मुझे गन दिखाकर डरा रहे हो? सर ये पब्लिक बूथ है, यहाँ कोई भी फोन कर सकता है, मैं भी करूंगा। जा इधर से। वो नहीं जा रहा है, अभी उसे एक गोली देनी पड़ेगी। अरे 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 कोई मुझे बचाओ, अरे मैं मर गया। अरे देखो कमिश्नर ने गोली चलाई, मेरे ऊपर गोली चला दी कमिश्नर ने, देखो। चलो चलो भागो यहाँ से। शिट। हटो 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 हटो, पीछे हटो। सर मुझे फोन नहीं करने दे रहे हैं। सर थोड़ा शांत रहिए, मैं पूछ कर बताता हूं। पूछा था सर, रुको रुको, मेरे पैर में गोली मार दी। सर क्या प्रॉब्लम है सर? सिर्फ शंकर पर आपने गोली चलाई, ऐसा क्यों सर? आप बूथ से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? ऐसी क्या बात है सर? उसको बोल के अपना मुंह बंद कर और जा यहां से। मैं एक पुलिस कमिश्नर हूँ, मैं उसे कैसे बोल सकता हूँ? तू बोल रहा है या कि मैं बोलूं? चुपचाप निकल, चुपचाप निकल। वेरी गुड सर। क्या कहा सर उन्होंने? चुपचाप निकल सर, उसने भी मुझे ऐसे ही बोला। हाँ? एक पुलिस वाला दूसरे की इज्जत नहीं करता। भागो। क्या हुआ सर, क्या हुआ? पता नहीं, ऐसा लगता है कमिश्नर काफी परेशान है। जो कोई भी सर को फोन पे धमकी दे रहा है, मुझे लगता है वो इसी बिल्डिंग के आसपास है। एग्जैक्टली, चांसेस अधिक है। ध्यान से सुनो अंजलि, इन सभी बिल्डिंगों में तहकीकात शुरू कर दो, मैं जाकर देखता हूँ ये फोन कहाँ से आ रहा है। ओके सर। तुझे क्या चाहिए बता दे, यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स आ चुकी है, अब तू नहीं बचेगा। तूने मुझे मारकर हाईवे पर फेंक दिया, फिर भी मैं तुझे उंगलियों पर नचा रहा हूँ, मुझे क्या तेरी पुलिस पकड़ेगी? वो देख पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, तुझे कहां से फोन आया है, नंबर ट्रेस कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। इस ऑपरेशन का इंचार्ज कौन है? कल्लूपट्टी श्रीनिवासन, मैं पहले इसे पानी पिला चुका हूँ। ए, कमिश्नर ने गणेश के सभी दोस्त रिश्तेदारों को उठाने के लिए बोला है, चलो हमें निकलना है। ए, हट जाओ, हट जाओ, साइड में हट जाओ। हटो साइड में, जाओ साइड में, जाओ गाड़ी गाड़ी। जो जहां है वही रहे, यहां मत आना, जाओ यहां से, गो बैक, जाओ गो बैक। सर कमिश्नर से जो आदमी बात कर रहा है वो दुबई का नंबर यूज कर रहा है, 0097। वो यही कहीं आसपास से ही फोन कर रहा है, दुबई का नंबर कैसे हो सकता है?
दुबई से बात नहीं कर सकता, लेकिन दुबई का सिम कार्ड यहाँ तो जरूर यूज कर सकता है। पहले वो दुबई का नंबर किसका है ट्रेस करो। ओके सर। हाँ सर, वो मेरा ही नंबर है। जब मैं दुबई से रिटर्न आ रहा था उस समय गणेश नाम का कोई मुझे मारने वाला है ऐसा कहा था आपने। उस दिन आपने ही मुझे होटल में ले गए थे। उसी समय अफरा तफरी में दुबई वाला मोबाइल हो गया था। जब मेरा जान बच गया तो इस छोटे से मोबाइल के लिए मैं क्या बताता आपको। अंजलि, कमिश्नर को डराने वाला कौन है? हा? ऑटो गणेश, प्लीज एक बार फिर सभी बिल्डिंगें अच्छी तरह से चेक करो। अब तक मुझे ढूंढ नहीं पाया कमिश्नर। चौथे फ्लोर पर ब्लू कलर स्क्रीन दिख रही है ना, मैं उसी के पीछे हूँ। देखो गणेश उस खिड़की के पीछे है, पकड़ो उसे। अभी तूने जहाँ गोली चलाई ना वो घर तो खाली है, ऐसी कितनी खिड़कियां तोड़ेगा तू कमिश्नर। कमिश्नर, आप तो अपनी फैमिली का नजारा देखना चाहता है, थोड़ा नीचे झुक। रुको रुको, आप आगे नहीं जा सकते, रुकिए। अगर तो हिला तो अगला निशाना तेरा सर का होगा। क्या चाहिए तुझे? तुझसे माफी मांगू? गो टू हेल। हटिए हटिए, प्लीज पीछे हटिए, प्लीज पीछे हटिए। मेरी बॉल नीचे गिर गई। डरना मत, अंकल का हाथ पकड़ लो। अंजलि, वो देखो गणेश ऊपर है। कमिश्नर, मैं तो जगह से हिल गया पर तू मत हिलना। चुप कर देख, तेरे चारों तरफ जो रेखा है वो लक्ष्मण रेखा की तरह है, चाणक्य रेखा है। इसके नीचे मैंने बॉम्ब रखा है, इसके नीचे बॉम्ब रखा है। जब तक तेरा वेट उस पर है वो नहीं फटेगा, जैसे ही तो हिलेगा तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जैसे ही तो हिलेगा तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कम फास्ट, हरी अप। Shit! वो हमें धोखा देकर बाजू वाली बिल्डिंग में भाग गया। पकड़ो उसे, हरी अप। क्या कमिश्नर, पुलिस के चक्कर में फंस जाऊंगा ये सोचा तूने? Hey! तुम चाहते क्या हो? तुझे छोड़ दूंगा कमिश्नर, लेकिन पहले तो बूथ का दरवाजा खोल और अपनी गर्दन बाहर निकाल कर तूने जितने पाप किए हैं उन सब को पब्लिक के सामने कबूल कर, तभी छोड़ दूंगा। समझा? क्या कबूल कर लूं? जो मुत्तुपट्टनम में करोड़ों रुपए आए थे उसको कैसे लुटा जाए? एमएल अलवार और ईश्वर मूर्ति को आइडिया मैं नहीं दिया था, बोल तू क्या कर लेगा? तेरे बाप ने, माणिकराम ने हम लोगों का साथ नहीं दिया, इसलिए हमने अपना इल्जाम उस पर लगा दिया और तेरे बाप को मरवा दिया और तेरी पूरी फैमिली को हमने कार में जला दिया। ये सब पब्लिक ने किया, लेकिन प्लान तो हमारा ही था। सब कुछ मान ले, मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। शूट करेगा? शूट, शूट, डैम यू, शूट मी। गणेश, तेरी माशूका और तेरा दोस्त मेरे कब्जे में है, अगर तुझे उनकी जान प्यारी है तो ये खेल खत्म करके पुलिस को सरेंडर कर दे। ऐसा है क्या? जरा तेरा लेफ्ट में नजर मार के देख, तेरे आदमी के पहुंचने से पहले हमारे आदमी उनको एक सुरक्षित जगह पर ले गए थे। अब इधर देख, जो मैं कह रहा हूँ वो मान जा, इसी में तेरी समझदारी है। नहीं माना तो? अभी मेरा लक्ष्य क्या है जानता है तू? लंदन भागेगा, उसे डॉक्टर की पढ़ाई कराएगा, ऐसा सोच रही तेरी लड़की के गर्दन पर निशाना लगाया है। मार दे, मार दे, मेरी लड़की, लड़का, बीवी, जिसे चाहिए मार दे। जो तू सोच रहा है वो कभी नहीं होगा गणेश, मैं पब्लिक के सामने कुछ कबूल नहीं करूंगा। मम्मी, दिव्या,
क्या कर रहा है चंदू? नहीं, मैंने गोली नहीं चलाई। दिव्या। नहीं, मैंने गोली नहीं चलाई। मेरी बच्ची, दिव्या। तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? अरे आप लोग यहाँ भीड़ मत जमा कीजिए, पीछे हटिए, चलिए हटिए यहाँ से। मेरे परिवार को घर के अंदर रख कर चलाया, मैं तेरे परिवार को जड़ सहित खत्म कर दूंगा। मेरा परिवार जाएगा तो मुझे परवाह नहीं है, हाँ, लेकिन मेरे लिए मर्यादा, इज्जत, पोजीशन सब कुछ है। नहीं नहीं, मैं कुछ कबूल नहीं करूंगा। तेरी औरत और बच्चा मरेगा तो भी तू कबूल नहीं करेगा, है ना? सही कहा। मैं तुझे नहीं मारूंगा, जा तू। बेवकूफ। पब्लिक बूथ में कोई बॉम्ब नहीं है। गौर से देख, वो सिर्फ चौक का निशान है। जा तू अभी। दिव्या, दिव्या। सर ये तो सिर्फ रबर बुलेट है, थोड़ी देर दर्द होगा और कुछ नहीं। थैंक गॉड, थैंक गॉड। मुझे मत छूना। क्या कबूल कर लूं? जो मुत्तुपट्टनम में करोड़ों रुपए आए थे उसको कैसे लुटा जाए? एमएल अलवार और ईश्वर मूर्ति को आइडिया मैं नहीं दिया था। बोल तू क्या कर लेगा? तेरे बाप ने, माणिकराम ने हम लोगों का साथ नहीं दिया, इसीलिए हमने अपना इल्जाम उस पर लगा दिया और तेरे बाप को मरवा दिया और तेरी पूरी फैमिली को हमने कार में जला दिया। ये सब पब्लिक ने किया, लेकिन प्लान तो हमारा ही था। मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं नहीं मानूंगा। शूट करेगा? शूट, शूट, डैम यू, शूट मी। गणेश, तेरी माशुका और तेरा दोस्त मेरे कब्जे में है। अगर तुझे उनकी जान प्यारी है तो ये खेल खत्म करके पुलिस को सरेंडर कर दे। What is this? आप जिस टेलीफोन बूथ पर बात कर रहे थे उसमें कैमरा लगा था, शायद आपने देखा नहीं। आपने जो कुछ शब्द कहे वो सब हमने सुना। इसके ऊपर जो जुल्म हुआ उसके लिए ये न्याय मांगने आया था और हम सभी ने इसके साथ न्याय किया, इसलिए हमने इसकी मदद की। बाहर आऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, ये गणेश को मालूम था, लेकिन उसने एक बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। लेकिन आपने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बच्ची की जान की भी परवाह नहीं की। छी, मैं यहाँ की पत्नी हूँ, मुझे ये कहने में शर्म आती है। दिव्या, ऐसी हालत में मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम लोगों के बिना नहीं जी सकता। दिव्या, दिव्या, प्लीज अंडरस्टैंड मी। I hate you, Dad. मैं आपसे बात करना नहीं चाहती। पापा, आप तो कुछ बोलिए प्लीज पापा। जी, है? दिनेश, I love you, दिनेश। I hate you, Dad. दिव्या, मीरा, दिनेश, वो मुझे धमकी दे रहा था इसलिए मैंने कहा। पापा, पापा आप गाड़ी निकालो। जाओ जाओ, सब लोग जाओ, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। जाओ जाओ यहाँ से। मेरा बाप मुझे छोड़कर चला गया और मेरे बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए। am I killer? am I murderer? I am the commissioner of police. Don't move. मेरा कोई दुश्मन है तो वो मैं हूँ, जानते हो, और मैं अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता किसी भी कीमत पर। सत्यमेव जयते। तेरी मौत पूरा गांव देखेगा, तेरा पूरा डिपार्टमेंट देखेगा। गणेश, लग्न मंडप आ गया। अरे अरे देवन आएगी, तेरा नाम पहले जैसा गणेश और तेरा नाम देवन आएगी, ये ओरिजिनल नाम लेकर शादी करके ही बाहर आना, नाम बदलना मत। ए सुबू, हाँ? वो सब रहने दे, हाँ? यहाँ एक भी प्रेस वाला नहीं है, एक भी वीडियो वाला नहीं है, अरे एक भी स्टिल फोटोग्राफर नहीं है, मेरी शादी में कैसे पब्लिसिटी मिलेगी? वापस पब्लिसिटी।